आचार्य सिंह रूपिणी श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिनी नामयं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीहार सभानि देवी दैताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्री रूपानुग विरुधाव सिद्धांत धन्त हारिणे नमो गौरवेश्वराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंभ रसांबुधि पादंबुजाय ते नमः नाम भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावमिष्ठं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौमसी जगन्नाथाय ते नमः पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाम महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपीगगन्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयताम सुरतरूपंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपादंभुज श्रीराधा मदन मोहन विद्वद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थ श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठलिभि सर्वमान स्मरामि श्रीमान राशरसारंभि वंशीवाट तटस्थित कर्षण वीणु सुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु न वृंदाय तुलसीदेव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा बंद मोई सावधान माते प्राप्ति हाय जा हरे
panchakalpadarubhasya kripa sindrubhayavacha patitanam pavanibho vaisnavi punamo namo ajanulambhita bhujo kanika vatato sankirtanaika pitarau kamalayataksau Vishwambharau Dijavarau Yugadharma Palau Bande Jagat Priyakarau Karuna Avatarau He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopiya Sahagapita Kantam Radhakanta Namastute Tapt Ganjana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Vrishabhanusuta Devi Pranamami Vrindaye Tulasi Devaye Priyaye Kesavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavataye Namo Nama Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunath Trijiva Gopal Bhatta Das Raghunath Eichai Vasairi Kari Charana Bandhan Jaha Haite Vignanas Abhishta Puran Jam Pravajanta Manupita Mapita Krittam Dvaipayana Virahakatara Ajubhava Putriti Tanmaya Tayatara Bovinetum Stam Sarva Bhuta Hridayam Munimana Tvasmi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaur Bhakta Vrinda Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mein Sarvapratham Mari Guru Pada Padma Nitlila Pravishnu Vishnu Pad Ashtodar Satasri Sri Srimad Bhakti Sri Rup Siddhanti Goswami Maharaj Acharna Gumalu Me Anandukati Sashtang Dhanavad Pranam Karta Tat Pashad Mari Sikhya Guru Pad Bhatma Nitlila Pravishnu Vishnu Pad Ashtodar Satasri Prishnumad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Acharna Sarajami Sradha Goswami Arpana Karta Upasthi, Vaishnav, Vaishnavi, Pita Matad, Kucharna mein mein jatha yogya pranam karta hoon. Aaj, hum log Bhagwan Krishna ka janma mahotsav ko palan karenge. Isliye aaj Bhagwan Krishna ki katha hum sunenge. Kehte Krishna katha bada madhur hai, bada meetha hai. इसलिए श्री बल्लभाचार्य ने उन्होंने एक अष्टक लिखा है बोले बदनांग माधुरम चालितांग माधुरम हासितांग माधुरम प्रभु का सभी सब मधुर है इसलिए मधुराधिपति रखिलम मधुरम भगवान का सभी मीठा है उनका चलना भी मीठा उनकी बोलना भी मीठा उनका हंसना भी मीठा उनको सब मिठाई 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 इसलिए कद भगवान की जो कथा है कद जैसे तीन गंगा है कद एक आकाश में गंगा है जिसका नाम मंदाकिनी वो स्वर्ग को कल्याण करती है एक गंगा है इस मर्त्य जगत में जो बहती है उसका नाम भागीरथी है कद वो भागीरथी हम ये पृथ्वी के ऊपर में पृथ्वी जीव को कल्याण करती है और एक गंगा है वो पाताल में गंगा है जिसका नाम भोगवती जो पाताल लोक को कल्याण करती है कहते उसी तरह भगवान की जो कथा है वो भी तीन लोगों को कल्याण करती है बोले किसको किसको बोले जो कथा बोलते हैं जो कथा सुनता है जो कृष्ण विषय के जो प्रश्न करता है प्रश्न करने वालों का सुनने वालों का और बोलने वाले का ये तीन लोगों को भी
ये कृष्ण कथा कल्याण करती है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले निवृत तसई रूप गीय मनात भव औषध छत्र मनोभिरामात कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजित पशुनाथ। कहते भगवान की कथा क्या है, बोले भगवान की कथा कहते ये भवरो का ये दवा है। अगर कोई भवसागर से पार होना चाहते हैं बोले उनको कुछ भी करने का जरूरत नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित केवल बैठो और केवल प्रभु की कथा सुनो। भगवान की कथा श्रवण करते करते पता नहीं कब ये भवसागर को तुम पार हो जाओगे, तुमको पता तक भी नहीं पड़ेगा, देखोगे भगवान का चरण में तुम पहुंच गए हो। इसलिए सबसे जो मीठी दवा है कहते भगवान का कथा है। तब यहाँ प्रश्न करते हैं बोले भैया आपने बताया भगवान की जो कथा है ये औषध है, भव औषध मतलब भव रोग का ये दवा है औषध, लेकिन अक्सर करके आप देखना दवा वो कड़वी होती है, बहुत कम दवा का जो मीठी मीठी होगी, लेकिन अक्सर के दवा कड़वी होती है। क्या ये भगवान की कथा क्या कड़वी है, बोले नहीं कड़वी नहीं भगवान की कथा, बोले क्या है, बोले श्रोतो मनोभिरामा, ये कृष्ण कथा कान और मन को बड़ा आनंद देने वाले। इसलिए श्री वृद्ध महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं बोले प्रभु आपकी कथा कितनी मीठी कथा आपकी है और उसको सुनने के लिए आप केवल दो ही कान दे दिया, हमको आपकी कथा सुनने के लिए 1000 कान दे दो। तो प्रश्न करते हैं भैया ये दो कान, एक इंसान का दो कान तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर यहाँ पर दो कान हो जाए अच्छा लगेगा, और कंधे पे दो कान हो जाए अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन वो कहते हैं हमको 1000-10000 कान दे दो, अगर सारा शरीर में कान ही कान हो जाएगा तो देखने में बेकार लगेगा। कहते क्या तो कान ही कान चाहते हो, बोले नहीं इसका मतलब है ये पृथ्वी में जहां जहां पर आपकी कथा हो रही है, जहां जहां आपकी कथा हो रही है, मैं चाहता हूं सब जगह में जाकर के आपकी कथा सुनूं, जैसे कथा कहीं मेरे चुग नहीं जाए, विश्व ब्रह्मांड में जहां प्रभु की कथा हो वहीं पर पहुंच जाऊं और कथा रस को मैं पान करूं। बोले हे प्रभु ये दो हाथ से आपकी सेवा करके हमको आनंद नहीं आ रहा है, अगर हमको हमारा 10000 हाथ दे दो, बोले दुनिया में जहां आपकी कहीं सेवा हो रहा है सारे सेवा को मैं अकेला करूं और किसी को सेवा करने नहीं दूं। हाँ भगवान की कथा में सेवा में इतने आनंद है। कहते हमारे रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, कहते रूप गोस्वामी कहते हैं बोले तुंडे तांडव निनुते वितनुते तुंडा बलि लब्धै कर्ण क्रडो कडविनि घटयते कर्णा बुधैव स्प्रिया चेता प्रांगण संगि निरजयते सर्वे इंद्रियाणाम कृति नो जानि जनित किम अद्भुत कृष्णे इति वर्ण द्वय। कहते हे प्रभु जो कृष्ण ये जो दो अक्षर है इसमें कितना रस है, इसमें कितने आनंद है। कहते जब ये कृष्ण नाम कहते कानों में प्रवेश करता है ऐसे लगता है ये ब्रह्मा तो सृष्टि करना जानते ही नहीं, और इतने मीठे कृष्ण नाम को सुनने के लिए केवल दो ही कान दे दिया। बोले कर्ण करड़ो, कहते अगर करड़ो करड़ो अगर हमें कान हो जाता तभी तो आपकी कथा सुन करके हमको आनंद लगता। बोले जब आपका नाम जिह्वा पर जब नृत्य करता है, जब हम कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं, कहते जिह्वा उसी समय लगता है तुंडे तांडव निनुते वितनुते, कहते शंकर जी का नृत्य को तांडव नृत्य कहते, शंकर जब कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर नृत्य करते उसको तांडव नृत्य कहते हैं। कहते जिह्वा के ऊपर में आपका नाम जब नृत्य करता है लगता है एक जिह्वा पा करके
एक जुहा से तेरा नाम करके हमको आनंद नहीं लग रहा है। हे प्रभु, अगर मेरा करोड़ों करोड़ों अगर जुहा मिल जाता तो तुम्हारी नाम करके हमको आनंद मिलता, हमको शांति मिलता। कद जब ये कृष्ण नाम कद जब हृदय में प्रवेश करता है ऐसे लगता है इतना मीठा इतना मधुर, उसमें कदे कथा नहीं नाम नहीं, माना आनंद की धारा हृदय में बहने लगती है। इसलिए कृष्ण नाम में कृष्ण कथा में इतने मीठा है, इसलिए कहते भव रोग का जो दवा है बढ़िया दवा श्री भगवान का नाम है, भगवान की कथा है। इसलिए कथा सुनने से क्या होता है, कहते श्री कपिल देव को माँ देहूति प्रश्न करती है, बोले बेटा मैं स्त्री जाती हूँ, मेरी मन बड़ी मंद बुद्धि है, ये मन प्रभु का भजन में लगना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये मन को कैसे तेरे भजन में लगाओ। कहते हैं ना, राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरी चरणों की, ब्रज धोलो जमिले जाए, राधे तेरी चरणों की, ए मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरी चरणों की। मैया कहती है कहते बेटा ये मन तो बड़ा चंचल है, हम इसको कैसे भजन में लगाए, भले पाई को हम रोक करके रख सकते हैं लेकिन ये मन को पता नहीं एक सेकंड में दुनिया घुमाती है, इतना चंचल है, हम इस मन चंचल मन को हम भजन में कैसे लगाए। तो भगवान कहते माँ ये मन को लगाने के लिए बोले एक ही उपाय है, मेरे भक्तों का संग करना, संतों का संग करो, उनका संग से ही अपने आप ये मन भगवान के भजन में लग जाएंगे। इसलिए कहते सता अनुप्रसंगात मम वीर्य संविदो भवत हृदय कर्ण रसायन कथा, बोले माँ मेरी जो कथा है कहते बड़े ताकतवान होता है मेरी कथा में, हाँ कहते हृदय कर्ण रसायन, कहते कान और हृदय को ये रस देने वाले हैं, हाँ ये रस देने वाले भगवान की कथा है, बड़ा मीठी कथा है माँ, इसलिए कि बोले मेरे भक्तों का संग करो, मेरे भक्तों का संग से ही मन अपनी आप मेरी कथा सुनते सुनते मन पता नहीं कैसे मेरे भजन में लग जाएगी। इसलिए कहते भगवान की जो कथा है भव सद छुत्र मनोभिरामा, इसलिए कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजते पशुनाथ, इसलिए भगवान की कथा को जो नहीं सुनते हैं कहते वो एक व्याद है जो जानवर को मारने वाले व्याद है, इसलिए केवल उसी का ही रुचि नहीं होगा, नहीं तो सभी का मेरी कथा में सब अच्छा लगेगा। इसलिए कृष्ण कथा कहते सबसे बड़ा मीठा है मधुर है जो भगवान की कथा है। इसलिए आज हम लोग ऐसे जो भगवान की कृष्ण कथा जो मधुर है जो मीठा है हम आज ये कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। कहते भगवान कृष्ण ये जगत में प्रभु क्यों प्रकट हुए, प्रकट होने का क्या कारण था, तब हमारे गोस्वामियों ने भगवान कृष्ण का प्रकट होने का बहुत कुछ कारण बताए, उसमें कुछ साधारण कारण और उसमें कुछ विशेष कारण है। कहते साधारण कारण क्या है, बोले साधारण कारण है बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कथी जो कारण है बोले जदा जदा ही धर्मस्य, जब जब ये धर्म का नष्ट हानि होता है और अधर्म जगत में बढ़ने लगता है तब तब मैं प्रकट होकर के अपना भक्तों को रक्षा करता हूँ और जगत में
धर्म को स्थापन और राक्षसों को मैं संहार करता हूँ। यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि भगवान भक्तों को रक्षा के लिए जन्म होते हैं, बोले भक्त धार समय रक्षा रखित है, उनको रक्षा करने का जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान भक्ति भक्त लोग भगवान भजन करते हैं ना, उनके ऊपर कोई विपत्ति आ नहीं सकती है, तो उनको क्या रक्षा करेंगे भगवान, इसलिए हर समय उधर रखित है। बोले फिर प्रभु क्यों प्रकट होते हैं, बोले कारण है कभी कभी भक्तों लोग भजन करते करते कभी भगवान को दर्शन करने का भक्तों का हृदय में जो इतने उत्कंठा बढ़ जाती है, प्रभु के दर्शन के बगैर जैसे प्राण धारण नहीं कर सकते, इसलिए भगवान क्या करते हैं, तब भगवान प्रकट होकर के अपना भक्तों का जो विरह है, उनका जो दुख है, उनको प्रभु दर्शन दे करके उनको विरह दुख को दूर करते हैं। जैसे ब्रज की गोपियां बैठी करके जब गोपी गीत को गाए, गोपी गीत को गाने पर भगवान रह नहीं सके, फिर भगवान स्वयं प्रकट होकर के गोपियों को प्रभु दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान कहते ये एक साधारण कारण है कृष्ण जन्म होने का। और दूसरा कारण क्या, बोले दूसरा कारण है कहते त्रेता युग में भगवान राम जब दंडकारण्य में पहुंचे, उसी समय कुछ ऋषि लोग कहते गोपाल मंत्र का उपासना कर रहे थे, उपासना करते करते वो गोपाल मंत्र का सिद्धि नहीं हो रही थी, वो कृष्ण का मंत्र था। अभी राम और श्याम को देखने में एक ही जैसे, जब भगवान राम दंडकारण्य में पहुंचे ऋषि लोग राम रूप देख करके आकृष्ट हो गए, क्योंकि राम और श्याम एक ही है, इसलिए राम को उन्होंने पति रूप में प्रार्थना किया। बोले इसी अवतार में नहीं, मैं द्वापर युग में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तभी तुम लोगों को इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा, राम अवतार में सीता को छोड़ करके और मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ पत्नी रूप में, तुम लोग सबके सब द्वापर युग में गोपी रूप में आओ। कहते ये एक कारण है। कहते श्री बामन पुराण में आता है कुछ वेद का जो मंत्र, वो लोग भी कृष्ण का कठोर आराधना की, जब भगवान दर्शन दिया बोले क्या चाहते हो, बोले हे प्रभु आपको हम गोपी भाव से पाना चाहते हैं, बोले नहीं असंभव है, और कुछ चीज मांग लो, बोले नहीं हमको तो केवल यही चीज चाहिए, बोले ठीक है जाओ द्वापर युग में तुमको सब गोपी रूप में आओ। इसलिए कहते कुछ श्रुतिचरी कुछ ऋषि लोग कहते जिन जिनों ने बड़े कठोर साधन भजन की, भगवान ने सबके सब बोले तुम सब द्वापर युग में आओ, अभी प्रभु को सभी को इच्छा पूर्ण करना है, इसलिए प्रभु द्वापर युग में भगवान कृष्णा अवतार लेकर के सभी का इच्छा पूर्ति करते हैं। कहते ये कारण है। कहते उसका जो तीसरा कारण है, कहते जनकपुरी में जब भगवान राम और लक्ष्मण जब सीता की स्वयंवर सभा में गए, राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र को बोले बोले गुरुदेव अगर आपके आदेश हो थोड़ा एक जनकपुरी हम दर्शन कराए, बोले दर्शन करना नहीं जाओ जनकपुरी को दर्शन दे कर गया, क्यों भगवान है ना राम लक्ष्मण। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में गए प्रभु बड़े सुंदर है बड़े प्यारे हैं प्रभु, अभी राम रूप को देख करके जनकपुरी के जितने सब कुमारियां थी सीता की सहेलियां राम रूप देख रहे सबके सब आकृष्ट हो गए, और उनके मन में इच्छा हुई अगर ये हमारे पति रूप में पाते तो इनको, लेकिन भगवान तो भावग्राही जनार्दन प्रभु सबकी इच्छा पूरी करते हैं, बोले कोई बात नहीं जब मैं द्वापर युग में कृष्णा अवतार में आऊंगा सब तुम लोगों को इच्छा को उसी समय में पूरी करूंगा। इसलिए सबके सब जनकपुरी के सीता की जो सहेलियां है कहते सबके सब गोपी बन करके आए। और एक कारण बताए जब भगवान राम वो अश्वमेध यज्ञ भगवान ने किया, अश्वमेध यज्ञ करते समय सीता जी को तो वनवास में भेज दिया, धोबी बोलने पर उनको वनवास में भेज दिया, श्री वशिष्ठ जी ने कहा राम बगैर स्त्री के तुम ये यज्ञ नहीं कर सकते हो, इसलिए स्त्री के बगैर यज्ञ नहीं होगा, और एक स्त्री को विवाह कर ले तो सीता को ढूंढ करके लाओ। राम ने देखा अभी सीता कहाँ मेरे को पता नहीं,
और ये राम सीता को छोड़ करके और दूसरे पत्नी राम कभी ग्रहण नहीं कर सकता है, सीता ही मेरी सब कुछ है। बोले गुरुदेव और कोई उपाय निकालो। बोले देखो और ये काम कर सकते हो, सोने की सीता बनाओ। सोने की सीता बना करके तुम इसको बाम तरफ में रख करके ये यज्ञ करो। बोले गुरुदेव हम ऐसे कर सकते हैं। कल भगवान राम 11,000 साल तक उन्होंने जगत में राज्यत्व किया, हर साल एक एक यज्ञ करते थे। जब वशिष्ठ जी सीता की मूर्ति में प्राण स्थापन करते थे, वो सीता साक्षात रूप में प्रकट हो जाती थी, साक्षात, क्योंकि प्राण स्थापन कर दिया। अभी 11,000 साल तक उन्होंने एक एक यज्ञ करते रहे। बोले इतने सीता सब कहां गए सब? हाँ, कहते ये सब के सब द्वापर युग में सब के सब गोपी बन करके आते हैं और भगवान कृष्ण इस सब की इच्छा को प्रभु कन्हैया पूरी करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ, यहाँ सिखा देते हैं कृष्ण ऐसे एक देवता है, ऐसे एक प्रभु है जो इच्छा कोई नहीं पूरी कर सकते है। ये भगवान ने सब की इच्छा को पूरी की है, सब की इच्छा को पूरी करते। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण है, बोले कृष्ण पूर्ण है, तो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान, भगवान का मतलब अकुर तुम अन्यथा कर्तुम जो सकेत स ईश्वर, मतलब जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं, कदि भगवान है। इसलिए जो असमर्थ को समर्थ बना सकते हैं, क्योंकि इसलिए देखना कोई भगवान गीता में कृष्ण जो बताया, हाँ बोले हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्म को छोड़ करके मेरे शरण में आओ। ये बात किसने नहीं बताया, कोई भगवान अभी तक नहीं बताया, सब धर्म को छोड़ दो और मेरे शरण में आ जाओ। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं मन मना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुर अर्जुन, सब कुछ मेरे लिए किया करो। ये अभी तो कोई भगवान नहीं बताए इस बात को। कृष्ण गीता में जो कहते हैं अहम ही सर्व ज्ञानम भोक्ता च प्रभु रेव च, विश्व ब्रह्मांड का मालिक मैं हूँ, मत परतरम नान्यत् किंचित धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके कोई जगत में कोई परतत्व है ही नहीं, सब कुछ मैं हूँ। कोई भी बोलते हैं ये तो भगवान का बड़ा घमंड था, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, सब कुछ उन्होंने मैं बोले। कहते किस लिए प्रभु ने बोला, वो समर्थ है, हाँ ये समर्थ है सब कुछ का, तभी प्रभु ने ये बात को बोला, और कोई भगवान इस बात को नहीं बोले। इसलिए कृष्ण ऐसे के देवता है जो सबकी इच्छा को भगवान पूरी करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए और क्या कारण, कहते और कारण है, कहते प्रश्नी और सुतबा ये दोनों ने भगवान की बड़ी कठोर तपस्या की, सारे सुख भोग को परित्याग करके केवल सूखे पत्ते और पानी पी करके 1,000 साल, बोले 12,000 साल तक तपस्या करते हैं। जब भगवान ने दर्शन दिया, बोले क्या चाहते हो? बोले हे प्रभु आप जैसे हमें एक बेटा चाहिए। भगवान ने कहा देखो मेरे जैसे बेटा कोई नहीं होते, क्योंकि मैं असमर्थ तत्व हूँ। असमर्थ मतलब मेरे से बड़े की बात छोड़ दो, मेरे बराबर भी जगत में कोई है नहीं। इसलिए ठीक है मैं तुम्हारा बेटा बन करके ये कृष्ण अवतार में ही मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। कहते ये एक कारण है। और कारण कहते द्रोण और धरा, कहते ये दोनों ने बड़ी कठोर तपस्या ब्रह्मा जी की करते हैं। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए, बोले क्या चाहते हो? बोले हमारा कृष्ण के प्रति हमको वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो। हाँ, तब ब्रह्मा जी तथास्तु बोले अभी ये द्रोण और धरा ये दोनों नंद और जसोदा को अंदर में ये प्रवेश करते हुए इस जगत में आते हैं। इसलिए भगवान बहु बहु कुछ कारणों को लेकर के भगवान ये कृष्ण अवतार प्रभु ने ग्रहण किया है। उसका और कुछ कारण भी बताते हैं। कहते जो जब कृष्ण वामन अवतार में आए, अभी बलि महाराज का बेटी रत्नमाला थी। भगवान वामन देखने में बड़े प्यारे बड़े सुंदर थे प्रभु। अभी रत्नमाला वामन भगवान को देख करके मन मन में सोच रही है अगर मेरा ऐसे एक लाला होता है ना
मैं दीन रहा थी, गोद में लेकर इसको मैं प्यार करती, मैं लाड लड़ाती, भगवान भावग्राह जनार्दन, बोले कोई बात नहीं मैं तुम्हारा लाला बनकर के आ जाऊंगा। लेकिन जब भगवान दो पग में भूर भुव मोह जन तप सत्य लोग को अतल तलातल सुतल पाताल सब लोग को माप लिया, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, भगवान ने कहा तली बड़ा डीघ हाँक रहा था, इतना दान दूंगा और किसको पास में तुमको झोली पसारने का जरूरत नहीं, अभी मैं दो पग में विश्व ब्रह्मांड ले लिया, बताओ तीसरे पग रखने के लिए स्थान कहाँ है। भगवान गरुड़ को बुलाया, बोले गरुड़ इसको नागफास बंधन में बांध दो, क्योंकि इसने अपना वाक्यों को रक्षा नहीं कर पाए। जब श्री गरुड़ उसको नागफास बंधन में बांध दिया, अभी रत्न वाला सोच रहे, बोले हे भगवान ये तो बड़ा छोटा सा दिख रहा था, लेकिन ये तो बड़ा खोटा सा निकला, ये तो बड़ा दुष्ट निकला, मेरे पिताजी का सब के सब ले लिया, फिर मेरे पिताजी का बांध दिया, बोले अगर तुम मेरा बेटा बन करके आओगे ना, तेरे को दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को जहर पिलाऊंगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं बेटा भी बन जाऊंगा और जहर भी पी लूंगा, इसलिए वही पुतना बन करके कृष्ण लीला में आती है। कहते जिस कभी चतुसन कभी चतुसन कभी ब्रह्म लोक से भगवान को दर्शन करने के लिए वैकुंठ में आए, जब उन्हें छह दरवाजा को पार हो गए, अभी सप्तम दरवाजा अभी पार होने का था, वहां पर जय विजय ने उनका रास्ता को बंद कर दिया, अरे कहाँ जा रहे हो नंगे दड़गे, कोई पूछ नहीं रहे हो, प्रभु अभी लक्ष्मी को साथ में किसी स्थिति में किसको घर में जाओगे, थोड़ी घुस जाओगे, पहले तो पूछोगे द्वारपाल को अभी क्या किसी स्थिति में है, तो बिना पूछे अंदर में चलते हुए जा रहे, रुक जाओ, बस मानो सोए हुए सांप को उन्होंने छेड़ दिया। चतुसन को क्रोध आ गया, बोले तुम लोग वैकुंठ में रहने का लायक नहीं, हम चतुसन जैसे महात्मा को किसी ने रोका नहीं और तुम दोनों ने रोक दिया, ये वैकुंठ लोग है, वैकुंठ मतलब जहां पर कोई कुंठा धर्म नहीं, जहां पर जन्म मृत्यु दुख कष्ट भय डर जहां पर कुछ नहीं, वो वैकुंठ लोग है। भगवान को पास में जाने के लिए हम लोगों को बाधा, चाह तुम दोनों राक्षस जन्म में चले जाओ, उनका अभिशाप मिला है। अभी इतने में प्रभु नारायण आए, बोले क्या बात है, बोले प्रभु ऐसे बात है, भगवान ने कहा देखो इसमें मेरी इच्छा है, नहीं तो वैकुंठ से थोड़ी कोई पतन होते हैं, मेरी इच्छा क्या इच्छा, प्रभु की इच्छा। बोले भगवान कहते अखिल रसामृत मूर्ति, मतलब सारे रस का प्रभु मूर्तिमान स्वरूप है, भगवान तो सारे रस का आस्वादन किया लेकिन प्रभु केवल एक रस को आस्वादन नहीं कर पाए थे, वो था वीर रस है, वीर रस मतलब लड़ाई युद्ध करना। भगवान सोच रहे हम किसको साथ में लड़ाई करें, जीवों को साथ में तो कर ही नहीं सकते हैं, मेरा कोई बराबरी हो, चींटी और हाथी में लड़ाई नहीं होती है, हाँ जितना जीव जैसे चींटी मैं तो हाथी जैसे हूँ, इसलिए मैं जीवों के साथ में क्या लड़ाई करूँ, लड़ाई करने का तभी आनंद आए अगर किसी बराबर को साथ में अगर लड़ो। अभी प्रभु की इच्छा से ही ये चतुसन आए, भगवान का ये मेरी इच्छा है, बोले देखो अगर तुम भक्त रूप में जाओगे ना सात जन्मों के बाद में फिर यहाँ वापस आओगे, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे राक्षस बन करके तीन जन्म में आ जाओगे, बताओ क्या चाहते हो। बोले प्रभु हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी वैकुंठ आ जाए। बोले जाओ राक्षस बन करके जाओ। इसलिए प्रथम अवतार में कभी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे अवतार में और उनको बराहदेव और नृसिंहदेव वध करते हैं, दूसरे लीला में ये रावण और कुंभकर्ण बन करके आते हैं, प्रभु राम युद्ध करते हैं, हाँ फिर तीसरा अवतार में ये शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए, भगवान कृष्ण को हाथ में मारा गए। इसलिए यहाँ पर भी शिक्षा देते हैं जब तक भगवान कृष्ण को हाथ में कोई नहीं मरे उनको मुक्ति भी नहीं मिलती है, इसलिए कृष्ण को हाथ से ही अगर कोई मरे उनको मुक्ति मिलती है, कृष्ण को हाथ में मरे नहीं जब तक उनको तब तक उनको मुक्ति नहीं मिली, इसलिए ये भी कारण है। इसलिए भगवान बहु कुछ कारणों को लेकर के भगवान ये कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे आनंदे हरि हरि बोल। अभी हम सुनेंगे भगवान कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं, एक कीर्तन कर लेते हैं, ठीक है।
सब मेरे पीछे पीछे थाली बजाते हैं कीर्तन का। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। सब पीछे बोलिए जोर जोर से, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
बड़ी उत्पात मचाया है। बोले कंस कौन है? बोले श्री उग्रसेन का बेटा है। बोले श्री उग्रसेन महाराज वो परम धार्मिक है, बड़े कृष्ण भगत है, लेकिन उसको बेटा तो भक्त होना चाहिए था, इतना भक्त का औरस में जन्म होगा, भक्त होनी चाहिए, लेकिन ये कंस इतना बड़ा दुष्ट कैसे बन गया? बोले दुष्ट बनने का कारण यही था, कहते श्री उग्रसेन का जो पत्नी थी वो एक समय अपना पीहर में आई, पीहर में एक समय सुंदर एक बगीचा था, फूल की बगीचा, फूल की बगीचा में वो भ्रमण कर रहे थे। वो देखने में बड़ी अभी एकदम नई शादी भी बड़ी सुंदर श्रृंगार कर रखी थी। एक राक्षस था जिसका नाम था द्रुमिल दैत्य, वो आकाश मार्ग में जा रहा था और उन्होंने हठात देखा उग्रसेन का, उनको पत्नी को हठात देखा, बोले बड़ी सुंदरी राजकुमारी है, बड़ी श्रृंगार करके रखी। उसने किया कि द्रुमिल दैत्य ने उसने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया, उग्रसेन का रूप धारण करके उसको पास में आए। बोले आप हठात कैसे आ गए? बोले तुम्हारी याद आ गई इसलिए मैं आ गया हूं। और उसने उसको साथ में मिले, जब उसको साथ में मिले, लेकिन बाद में उसको पत्नी को पता चला ये तो उग्रसेन है ही नहीं, ये तो और कोई था। अब उसको गर्भवती रही, जब गर्भवती रही, अगर पिताजी घर में कोई गर्भवती बड़ा बदनामी है। अभी उसने क्या किया, जल्दी से जल्दी चली गई मथुरा। अभी ये द्रुमिल दैत्य का औरस से ये कंस ने जन्म लिया, इसलिए ये कंस इतना बड़ा दुष्ट और बदमाश बना। सारा दुनिया में इतने उन्होंने अत्याचार किया, जगत में टहलका उसने मचा दिया, अपना पिताजी को भी उन्होंने बंदीशाला में उन्होंने डाल लिया और जोर जबरदस्ती पिताजी का आसन पर दखल कर लिया। कल मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं, कोई भगवान का नाम कीर्तन मेरे देश में कोई नहीं कर सकते, ये आयन को उन्होंने पास करवा दिया। इतने में ये सारे देवता लोग, ये पृथ्वी को ऊपर मतलब अत्याचार हो, ये पृथ्वी बड़ी दुखी हो करके उसने पितामह ब्रह्मा जी को पास में गए। फिर ब्रह्मा जी श्री देवता लोगों को लेकर के श्री शंकर जी को पास में गए। फिर शंकर जी ये सारे देवता मिलकर के फिर भगवान नारायण को पास में खीर समुद्र में पहुंचते हैं और भगवान को पुरुष सूक्त मंत्र द्वारा भगवान को उन्होंने प्रार्थना किया। भगवान ने कहा मैं पहले से ही सबको सुख जान लिया है, इसलिए जाओ हे देवताओं तुम सब के सब जदुवंश में तुम लोग जन्म ले लो। कहते हे देवियां तुम सब के सब जाकर के ब्रज में गोपी रूप में जन्म ग्रहण करो। अब सब के सब देवता लोग और गोपी रूप में सब के सब जन्म ग्रहण किया। अभी प्रश्न है कहते स्वर्ग का देवियां ये गोपी बनकर कैसे आ गए? स्वर्ग तो साधारण स्वर्ग है, गोपियों का स्टेज बहुत ऊंची स्टेज है, गोपियां साधारण बात नहीं। शंकर जी वृंदावन में गए होंगे, शंकर जैसे व्यक्ति भी वो प्रभु का रास में प्रवेश करना चाहते थे, वो गोपी भी बन गए, लेकिन उनको निकाल दिया वहां से और वहां के चौकीदार बना दिया शंकर जी को। चौकीदारी का काम कर रहे शंकर जी वृंदावन में, मतलब वृंदावन की धाम की महिमा। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति वहां पत्थर का जन्म लिया है, उद्धव जैसे व्यक्ति वहां पर घास बनकर जन्म हुए हैं। ये ब्रज की इतने महत्व है, इसलिए कहते फिर ये देवियां ये गोपी बनकर कैसे आई? बोले देवियां नहीं, कहते स्वर्ग में भगवान श्री वामन देव रहते हैं, कहते एक एक मन्नोतर में प्रभु एक एक अवतार लेते हैं। कहते भगवान का जो शक्ति लक्ष्मियां हैं, उन लोगों ने जब ब्रज गोपियों की महिमा को देखे, उनके मन में भी इच्छा हुई क्या हम क्या गोपी भाव से क्या कृष्ण की हम सेवा कर सकते हैं, क्या प्रभु का रास में कहीं हम प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए वो सब के सब अभी गोपी बन करके आती हैं। इतने में श्री कंस अपना बहिनी श्री देवकी को उन्होंने बड़े धूमधाम से शादी करवाई, श्री वसुदेव महाराज को साथ में और स्वयं रथ को
स्वयं सारथी बन करके रथ को ले जा रहे थे, इतने में आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी हुई कि रे मूढ़ कंस, जिस बहनी को तुम इतने धूमधाम से शादी करा के ले जा रहे हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरा काल बन करके जन्म लेगा। हाँ, जब इतना बोल दिया, इतना बोलते ही कंस ने देखा न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी। कहते देवकी को ही हम नष्ट कर देते हैं। अपना म्यान से तलवार निकाला, देवक को चोटी पकड़ कर गई। जब ये हत्या करने जा रहा था, वसुदेव महाराज ने देखा कितने सुबह का, हाँ, और यहाँ पर मृत्यु। वसुदेव महाराज ने देखा जो आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, आकाशवाणी सच होता है। अभी मेरा कर्तव्य है किसी तरह से देवकी को रक्षा करना। इतने में कंस को तरह तरह से उन्होंने समझाने के लिए कोशिश किया। बोले कंस, तू ये क्या कर रहे हो, ये बहन ही तुम्हारी है, अगर तुम इसको बध करोगे सारा जीवन भर तेरी बदनामी होगी, लोग बोलेंगे कि बहन को हत्यारा है, सारा दुनिया में तुम्हारा अपजस होएगी। बोले आपने आकाशवाणी सुनी नहीं? बोले मैंने भी सुना है। बोले मेरे को क्या करनी चाहिए? वसुदेव महाराज ने बताइए, ये बताओ तुम मरोगे कि नहीं, बताओ। बोले हाँ मरेंगे। बोले आज नहीं तो 100 साल के बाद में तो मरना ही है, जब एक दिन मरना ही है। लेकिन कौन मरता है? कहती है शरीर मरती है लेकिन आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा तो नित्य है, वो शाश्वत है। नैनम छिन्दति शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैन क्लेदन्ति आप नैनम सोचति मारुतो। इस सब विकार से ऊपर ये आत्मा है, न जायते न मृयते अजो नित्य शाश्वत ये आत्मा है। केवल तो ये शरीर बदलती है, आत्मा थोड़ी मरती है। इसलिए बोल देखो तुमको पता है मैंने कभी झूठा कभी बोला नहीं। बोले हाँ। बोले तेरे को तो देवकी से डर नहीं, उसके बच्चे से? बोले हाँ। बोले देखो मैंने तो कभी झूठ बोला नहीं। बोले नहीं, कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जितने देवकी के बच्चे होंगे सब के सब मैं तेरे को दे दूंगा। इसलिए चिंता मत करो, संतान को मार देना, अपना बहन को मार के क्यों पाप ग्रहण करोगे? अभी प्रभु की जो इच्छा है उसका बुद्धि बदल गया। अभी बुद्धि बदल गया तो अभी यहाँ प्रश्न है, जब वसुदेव महाराज को पता चला ये अष्टम गर्भ के संतान को ये मारेगा वा उसका हत्यारा, बोले वो तो फिर संतान को जन्म नहीं देते, फिर उनको संतान जन्म देने का क्या जरूरत था? और उन्होंने एक एक करके उन्होंने 6 संतान को मार डाला, उस संतान ही जन्म नहीं देते अच्छा ही रहता, फिर उन्होंने संतान जन्म क्यों दिया? बोले इसका कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताए, बोले भले ही जितने पाप क्यों नहीं हो लेकिन जब आकाशवाणी कोई झूठी नहीं होगी, आकाशवाणी सत्य है, कम से कम मेरे औरों समेत तो प्रभु जन्म लेंगे, कम से कम प्रभु का तो दर्शन मिलेगा, भले ही प्रभु का दर्शन करने के लिए जितने पाप मेरे को भोगना पड़े क्यों नहीं पड़े, सब भोग करूंगा लेकिन प्रभु का दर्शन मुझे चाहिए। इसलिए जब उनका सर्वप्रथम जो पुत्र हुआ, उन्होंने वो पुत्र को लेकर के उन्होंने कंस को उन्होंने दे दिया। कंस तो आश्चर्य हो गया, अपना सद्यजात पुत्र को काल को हाथ में, कंस का हृदय भी पिघल गया। बोला वसुदेव ये बेटा मेरा क्या करेगा, इसको तुम वापस ले जाओ। अभी नारद जी ने देखा बड़ा गड़बड़ी हो रहा है, बोले क्या? बोले भगवान कब जन्म लेंगे? बोले जो पाप की खड़ा बनेगा, नहीं तो प्रभु जन्म नहीं लेते हैं। इसका हृदय में तो दया की भावना आ रहा है, दया की भावना आए तो प्रभु जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, जब पाप की घड़ा भर जाए तब भगवान जन्म लेते हैं। इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते वहां पर सिद्धा श्री नारद जी वहां पर प्रकट हो गए। जब नारद जी आ रहे थे भगवान की बिना को पर नारद जी हर समय प्रभु का कीर्तन करते हैं। श्री नारद जी प्रभु का कीर्तन कर रहे थे। बोले क्या कीर्तन कर रहे थे? बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
Hari bol, Hari bol, Hari, Hari Hari bol, Hari, bol Hari bol, Hari. Hari bol, Hari bol, Hari, Hari Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari, Hari Hari bol. Jai Jai Radha Ramana, Hari bol. Jai Jai Radha Ramana, Hari bol. पर प्रकट हुए, प्रकट होकर के एक गुप्त एक बगीचा में नारद कंस को उन्होंने एकांत में बुलाया। एकांत में बुला करके बोले, कंस जानते हो अभी मैं कहां से आ रहा हूं? बोले कहां से? बोले अभी सीधा सीधा मैं स्वर्ग से आ रहा हूं। बोले फिर? बोले जानते हो देवता लोग क्या कर रहे थे? मैं देख करके आया। बोले क्या कर रहे थे? बोले पितामह ब्रह्मा सारे देवताओं को बुला करके वहां पर मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग का यही विषय था, तेरे को सब देवता मिल करके मारना चाहते हैं। इसलिए ये जदुवंशी में जितने को देख रहे हो, ये और कोई नहीं, सब देवता जदुवंशी में आई, और जितने सब गोपियां सब देवी बन करके आई। इनका प्लान यही है। जब नारद जी आए थे तब उन्होंने एक कमल का फूल लेकर के आए थे जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। इतने में नारद जी बोले, कंस ये बताओ इसे जो 8 पंखुड़ी है इसमें पहला नंबर कौन और 8वां नंबर कौन बताओ तो? बोले गुरुदेव हम बताएंगे इसे, अगर इधर गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, अगर इधर गिनोगे जिसको 8 बोल रहे हो जाएगा 1, जिसको 1 बोल रहे हो जाएगा 8। नारद जी कहते, कंस देवताओं का वाक्य समझना बड़ा कठिन है, तू तो इधर से गिन रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर वो लोग उधर से गिनेंगे तो फिर क्या होगा? जिसको तुम 1 बोल रहे हो वो हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब 8 भाई सबके सब बड़े होएंगे, सब मिलकर तेरे को मारेंगे, बड़े हो जाएंगे नहीं, 8 बच्चे होते होते। बोले गुरुदेव फिर तो क्या करनी चाहिए? सबको मार दो? बोले मैं क्यों बोलूंगा, सबको मार दो, अभी तू जानता तेरा बात जानता है। बस भड़का दिया, भड़का करके नारद जी वहां से भाग गई। जब भाग गए अभी कंस को तो बड़ा क्रोध आया, बोले देवकी बताओ तुम्हारा संतान कहां गया? उन्होंने जोर जबरदस्त देवकी से उन्होंने खींच लिया और पछाड़ करके उसको खत्म कर दिया। उन्होंने ऐसे उन्होंने 6 संतान को उन्होंने मार डाले। कहते यहां प्रश्न है, बोले नारद जी सब जानते हैं नारद जी परम भक्त है, लेकिन ये सब गड़बड़ी, सब बच्चों को मरवा दिया क्यों? कहते नारद जी उनको पता है ये पूर्व जन्म में ये कौन है। कहते ये पूर्व जन्म में ये मरीच थे, ब्रह्मा के पुत्र थे। कहते एक समय ब्रह्मा जी उन्होंने एक सुंदरी कन्या को उन्होंने सृष्टि की, और अपना कन्या को देख करके नारद जी आकृष्ट हो गए। जब आकृष्ट हो गए ये जो मरीच का जो पुत्र 6 थे, बोले देखो ये बुढ़ा का क्या स्थिति, अपना बेटी को पीछे भाग रहा है। उन लोगों ने हंसे, जब हंसे इतने में ब्रह्मा जी को क्रोध आया, बोले मेरे क्रिया को देखकर तुम लोग ने हंसे हो, तुमको मैं अभिशाप देता हूं, जाओ सबके सब अपना पिताजी को हाथ में मरोगे।
इसलिए तीन जन्म तक तुमको मरना पड़ेगा, इसलिए अभी उनका दो जन्म बीत चुका है। और ये उनका अंतिम जीवन था, जब भगवान की माँ के गर्भ से जन्म होएंगे तब उनका स्तन को स्पर्श करते ही पान करते ही उनको उद्धार होने वाले, मतलब ये जितने जल्दी मरेंगे उतना जल्दी उनको मुक्ति मिलेगी। नारद जी को ये बात पता था, इसलिए नारद जल्दी जल्दी उनको मुक्ति दिला दिया, लेकिन साधारण रूप में ये बात किसको पता नहीं चला। अभी जब छह बच्चे मारा गए, अभी सप्तम गर्भ में कद धाम स्वरूप श्री बलदेव प्रभु आते हैं। भगवान जोग माया को बोले, हे जोग माया जाओ, कद वसुदेव महाराज के और भी पत्नियां थी, एक थी जिसका नाम रोहिणी। अभी ये रोहिणी भी गर्भवती, अभी जदुवंशियों ने सोचा ये कंस तो सबके सब बच्चों को मार रहा है, हो ना हो ये रोहिणी के बच्चे को भी मार नहीं दे, इसलिए गर्भवती थी रोहिणी, उसका राता राती भेज दिया ब्रज में। अभी भगवान जोग माया को बुलाए, बोले जोग माया तुम ये देव के गर्भ में जो संतान होगा उसका आकर्षण करके तुम रोहिणी गर्भ में तुम उसको स्थापन कर देना। और बोले तुम जोग माया बन करके जसोदा के गर्भ से तुमने जन्म ग्रहण करना, और तुम्हारी नाम देवी काली दुर्गा भद्रा बहुत बहुत तुम्हारी जगत में नाम होएगी, जगत में तुम्हारी बड़ी बड़ी पूजा होगी जगत में। इसलिए भगवान ये देवी को ये आशीर्वाद दिया। अभी षष्ठ सप्तम गर्भ में कद श्री धाम स्वरूप श्री बलदेव प्रभु आए। हाँ, तो यहाँ शिक्षा देते हैं, जो कंस ने जो छह बच्चे को मारे कद उसमें तात्विक शिक्षा किया है, कद जो छह हैं कद ये काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य है। भगवान अष्टम गर्भ में भगवान जन्म लेने वाले, यहाँ शिक्षा देते हैं अगर कोई भगवान को अपना हृदय में प्रकट कराना चाहते हैं उनको क्या करने चाहिए। प्रथम उसको प्रथम में उसको जो छह रिपु है उसको पहले मारो। मरीची मतलब जो मन से जो प्रकट होता है ये मरीची है। बोले कंस क्या है, बोले कंसात भयात कंस, कंस मतलब होता है भय। जब जीव भय से ये छह रिपुओं को जो खत्म करेगा, कहते सप्तम स्टेज में कहते श्री बलदेव प्रभु ये धाम स्वरूप है, ये गुरु स्वरूप है। तब ये भगवान आने से पहले ये धाम स्वरूप रूप में श्री बलदेव प्रभु प्रकट होते हैं। और अष्टम गर्भ में कहते भगवान कृष्ण अष्टम गर्भ में आते हैं। यहाँ शिक्षा है, हमारे रूपो गोस्वामी ने बताए, जैसे क्लास वन टू थ्री फोर फाइव होता है उसी तरह ये जो साधन का आठ स्टेजेस हैं। कहते जो प्रेम है, कहते प्रेम के द्वारा भगवान का दर्शन है। कहते आठ स्टेज क्या है, कहते भक्ति का जो प्रथम स्टेज कहते श्रद्धा। हाँ, सबसे पहले श्रद्धा, जैसे हमारा मन में श्रद्धा है तब तो हम यहाँ पर आए। अगर हमारा हृदय में श्रद्धा नहीं होता हम थोड़ी यहाँ पर आते, हम यहाँ आते ही नहीं। पहले भक्ति का जो बीज है कहते ये श्रद्धा से शुरुआत होती है। यही चीज को गुरुपाद पद्म हृदय में बीज रूप में उसको प्रदान करते हैं। अभी गुरुदेव श्रद्धा रूपी बीज को हमारा हृदय में बो दिया। अभी हम एक माली है, अभी माली हो करके अभी हम वहां को पानी देना पड़ेगा। पानी क्या है, कद भगवान की जो श्रवण और कीर्तन है, कद ये पानी है जो भजन कर रहे हैं। जैसे कोई हम एक लता लगाए बीज बोए, अब पानी नहीं देगा तो वहां अंकुर कहां से होएगा। पानी देंगे तभी तो धीरे 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 बढ़ेगा। हाँ, कहते उसको बाद में गुरु जी से दीक्षा मंत्र लेने का बाद फिर हम साधन भजन प्रारंभ करते हैं। साधन करने पर धीरे 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 वो लता भक्ति रूपी लता धीरे 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 बढ़ता है। पहले उसमें दो पता आता है, सबसे पहले आप देखिएगा पहले अंकुर उसके बाद में दो पता आती है, कभी क्लेशक नहीं है शुभदा, कभी दो पत्ते आती है, फिर धीरे धीरे उसमें टहनिया धीरे धीरे निकलता है। हाँ, कहते श्रद्धा के बाद में फिर साधु संग है, फिर साधु संग होने पर सदगुरु से दीक्षा मंत्र प्राप्त करने का बाद फिर साधन हम शुरू करते हैं। हाँ, भजन क्रिया, जब हम भजन करते हैं फिर उसके बाद में अनर्थ निवृत्ति होता है। हमारा हृदय में जितने तरह का अनर्थ है, काम क्रोध लोभ, ये जितने सबके सब समाप्त होता है। अनर्थ निवृत्त होने पर उसको बाद में फिर रुचि आती है। रुचि मतलब अच्छा लगना,
उसके बाद फिर निष्ठा आती है। निष्ठा मतलब है भले ही जीवन में जो कुछ आ जाए फिर वो भगवान का भजन कभी नहीं छोड़ता है, प्रभु का भक्ति कभी उसके छूटती नहीं। भले ही सारा दुनिया छूट जाए लेकिन उसके भक्ति कभी नहीं जाता है, छूटता है। जैसे हरिदास ठाकुर को पायसी बाजार में मारते मारते उसको एकदम चमड़ा उतार दिया, लेकिन जितने जोर से पिटाई हो रही थी उतना जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितने पिटाई हो रही थी उतना जोर जोर से भजन कर रहा था, हरिनाम कर रहा था। जब 22 बाजार में पिटाई हो गई, सब खाल निकल गया, तब वो क्या कहता है, कहता है प्रभु आप तो थोड़ी सी दंड देकर मुझे छोड़ दिए, क्योंकि मैंने ये कानों में मैं आपकी थोड़ा निंदा सुन लिया था ना, इसलिए आपने मेरे को थोड़ी सी दंड देकर छोड़ दिया है। ये भक्तों की भावना है। और भगवान चक्र लेकर के प्रकट हो गए उनको मारने के लिए जो उनको मार रहे थे, लेकिन वो उनका हित सोच रहे थे, बोले हे प्रभु ये अज्ञानी मूर्ख कुछ नहीं जानते हैं, इनका अपराध तो मत लिया करो। कभी भक्तों की भावना है, कभी निष्ठा है, निष्ठा के बाद में फिर रुचि निष्ठा, कभी आसक्ति है। जब जीव के हृदय में भगवान का प्रति वो आसक्ति आती है, आसक्ति को बाद में इतने आसक्त हो जाते, इसी जगह संसार में देखो अगर एक दूसरे के प्रति कोई आसक्ति हो जाता ना, एक लड़का एक लड़की का प्रति, वो इतना जोर जबरदस्त अगर छूट जाए वो प्राण दे देने के लिए तैयारी हो जाता है। इस जगत का आसक्ति इतना जोर जबरदस्ती, टाटी पेशाब खून थली में इतना आसक्ति है, और जब भगवान का प्रति आसक्ति हो वो कितने जोर जबरदस्ती आसक्ति नहीं होगी, जो सही आसक्ति है। हाँ, इसलिए धीरे धीरे वो आसक्ति प्रभु का प्रति होता है। आसक्ति जब आ जाती है समझो उसका करके अनर्थ सारे खत्म होने लगता है। आसक्ति के बाद फिर भाव स्थिति आती है, जब भावना अवस्था आती है उसका हृदय में, कद उसका न लक्षण है हम कद उसका हृदय में भाव हो गया। भाव इतना आसानी बात नहीं, ये भाव अपराकृत वस्तु है। कद भाव का भी नाठ लक्षण भाव का है, बोले क्या किया तो रूपो गोस्वामी कहते हैं, बोले ख्यातिर अभ्यर्थ काल त्वम विरक्ति मान सुन्नता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। कद उसका न लक्षण है भाव का। हाँ, कद क्या, बोले क्षांतिर मतलब दुख का कारण प्रकट होने पर भी वो कभी दुखी नहीं होता है, भले ही सुखी रहता है, विपत्ति आ जाए लेकिन उसमें दुखी नहीं होता है, दुख में भी सुखी रहता है। अव्यर्थ काल तम, कभी समय को वो बर्बाद नहीं करता है, 24 घंटा प्रभु का भजन में रमा रहता है। विरक्ति जो माया के प्रति उसको और कोई आसक्ति नहीं रहता, दुनियादारी वस्तु के प्रति उसको स्वाभाविक रूप में विरक्ति आ जाती है। मान सुन्नता सबको यथा योग्य सम्मान देता है, कभी अपना इज्जत नहीं चाहता है। बोले आशा बंध, कैसे भगवान मिले प्रभु, कब मिले प्रभु, कब मिले, उसके लिए बड़े उत्कंठा कब प्रभु मिलेंगे। हाँ, उसको ये निश्चित हो जाता है जरूर प्रभु मिले को मिलेंगे ही, ये पूर्ण विश्वास हो जाता है। बोले आसक्ति तद गुणाख्याने, कभी भगवान की कथा सुनने के लिए लगता है अब सुन रहे थे ना, लगता दो कान में सुन करके हम तृप्त नहीं हो पा रहे, सारा शरीर में अगर कान ही कान हो जाता तभी प्रभु की कथा सुन करके हमें शांति मिलती, इसलिए कथा सुनने के लिए बड़े व्याकुल है। हाँ, आसक्ति तत् गुणाख्यान प्रीति तत् वसस्थल, भगवान का धाम में उनका बड़ा प्रेम होता है। कब हम प्रभु का धाम में जा करके निवास करें और 24 घंटा प्रभु का भजन करते रहे, कद ये भाव के लक्षण है। जब किसका हृदय में ये स्थिति आ जाती है भाव, तो उसका उदाहरण दिया, लक्षण बताए भाव का, क्या लक्षण भाव को बताया, एक कली जैसे कि फूल, फूल का वृक्ष है उसमें कली, कली मतलब क्या, फूल होने से पहले जो कली निकलता है जिस कली, कदी कली अवस्था है, कली से पता चल जाता है कि फूल आएगा इसमें। हाँ, उसका उदाहरण देकर समझाए वो भाव किया है। जब हृदय में भाव प्रकट होता है कद हृदय एकदम निर्मल हो जाता है, शुद्ध सत्व हो जाता है हृदय। हृदय में किसी तरह का ये संसारी की कामना वासना कुछ नहीं रहेगा। उस समय क्या लक्षण किया, बोले कभी कभी उसको प्रभु की बंसुरी की आवाज सुनने को मिलती है, और कभी कभी एकदम उसको कान को ऐसे कर देता है, किन्तु प्यारी प्यारी बंसुरी की आवाज सुनने को मिलता,
कभी कभी भगवान के चरण की नुपुर का झंकार सुनने को मिलता है, एकदम ये हो जाता है कहां से नुपुर की झंकार आ रही है। कभी कभी उसका ऐसे लगता है मानो प्रभु आए मेरे को अपना अधरा मृत पिला करके चले गए, इसलिए अपना होठ को चाटने लगता है अमृत किसने पिला कर गए। कभी कभी ऐसे लगता है मानो प्रभु साक्षात प्रकट हो गए और भगवान का जो वस्त्र और अलंकार को जो छट्टा कभी उसको चकाचौंध कर देता है। कभी कभी उसको ऐसे लगता है मानो प्रभु आए और मेरे को स्पर्श करके चले गए, उनको पूरा शरीर रोमांच रोमांच हो जाता है, एकदम बाल खड़े हो जाए रोंगेट हो जाता है शरीर में। ये सब लक्षण है ये भावावस्था में प्रकट होता है। और जो ये सप्तम स्टेज है बलदेव प्रभु जब प्रकट हुई कद ये भावावस्था, और जो प्रेमावस्था में साक्षात कृष्ण प्रकट हो जाता है। भगवान अष्टम स्टेज में आए, जो अष्टम स्टेज है कद कृष्ण साक्षात जहां साक्षात रूप में भगवान की जहां दर्शन प्रदान करते हैं, इसको हमारे श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में उसका दो स्टेजेस बताए, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम माधुर्य कादंबिनी। हाँ, कहती ये ग्रंथ इतने बढ़िया ग्रंथ है, कहती ये 11 मीटर समझे जैसे दूध है ना, दूध में कितना पानी है और कितना दूध है वो एक 11 मीटर होता है ना, उसमें डाल दो वो बोल देगा इसमें ये दूध कितना प्योर है, कितना पानी और इसमें कितना कितना दूध है। कहती वो जो ग्रंथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहती 11 मीटर है। अभी हमारा भक्ति अभी कहां पर है वो सब बता देगा, उसमें एक एक स्टेज का सब लक्षण बताया होगा। श्रद्धा किसको कहते हैं, निष्ठा क्या क्या लक्षण है, रुचि का क्या लक्षण है वो स्पष्ट रूप में बता देगा। अभी भक्ति का कहां पर, कभी कभी हमको लगता है अरे हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी भक्ति का कहां पर है वो सब बता देगा। भक्ति का कौन सा स्टेज में अभी हम खड़े हैं, इसलिए अभी अष्टम स्टेज में भगवान कृष्ण अभी प्रकट होने वाले, श्री बलदेव प्रभु सप्तम स्टेज में श्री धाम स्वरूप में, हाँ भगवान का आधार शक्ति स्वरूप में वो भू शक्ति स्वरूप श्री बलदेव प्रभु है। अभी श्री बलदेव प्रभु जब आए उनको योग माया ने देवकी गर्भ से आकर्षण करके उन्होंने रोहिणी गर्भ में स्थापन कर दिया, जगत में हल्ला हो गया, इसका तो गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन किसको पता नहीं चला बीच में क्या हो गया। अभी अष्टम गर्भ में भगवान स्वयं आने वाले, लेकिन भगवान का जो जन्म है कृष्ण गीता में कहते हैं बले जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यह विधि तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नयति मामेति स्वर्जुन। बले हे अर्जुन मेरा जो जन्म और जो कर्म है वो दिव्य है, जैसे पति पत्नी का मिलन से जैसे हम बच्चे जन्म होते हैं, भगवान का ऐसा जन्म नहीं, सौकर जन्म प्रभु का नहीं, भगवान का जो स्वरूप है बोले सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का शरीर सचिदानंद स्वरूप है, पति पत्नी का मिलन से प्रभु प्रकट नहीं होते। कैसे प्रकट होते हैं प्रभु, जैसे आपने कथा अभी सुने प्रभु प्रकट होने का हृदय में, उसी तरह जो गुरुपाद पद्मा हमारे कानों में मंत्र प्रदान करते हैं, हाँ कहाँ देते हैं कानों में, वो कहाँ जाता है हृदय में, फिर वहां प्रभु प्रकट होते हैं। उसी तरह श्री पहले भगवान वसुदेव का हृदय में प्रभु प्रकट हुए हैं। जब वसुदेव का हृदय में प्रकट हुए तब वसुदेव महाराज कैसे प्रभु प्रकट हुए, उन्होंने देवकी को उन्होंने कथा सुनाई, वो कथा माध्यम में शब्द ब्रह्म रूप में देवक का हृदय में ये कथा गई कानों के द्वारा, और भगवान उसका हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं, हाँ इस रूप में प्रकट होते हैं, मिलन से प्रकट नहीं। अभी देव की गर्भ में जो प्रभु आ गए, कंस देखने के लिए आया, अभी क्या हो रहा है, कंस आकर देखा पूरा जो जो कारागार एकदम उजला उजला हो रहा है, दोनों को शरीर में जो तेज, देव की मुख में जो हंसी देखा, ये कोई साधारण हंसी नहीं, ये तो कोई दिव्य हंसी है। वो समझ गया मेरा काल आ गया, इच्छा हो रहा था अभी तलवार लेकर खत्म कर दो, बोले सारा दुनिया मेरे को बदनामी करेंगे, उसका हिम्मत नहीं हुआ उसके बाद पटकने का। अभी तो कंस को दिन रात चैन नहीं आ रहा है, अभी वही काले काले कन्हैया को याद कर रहे हैं, मेरे काल का उठते बैठते सोते केवल कृष्ण 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 चिंता हो रहा है, तभी उनको मुक्ति हुई है। हाँ इसलिए दिन रात अभी मेरा काल जन्म होने वाले, जब भगवान
देवकी गर्भ में जब प्रभु प्रकट हुए अभी सारे 33 करोड़ देवता भी आकाश मार्ग में आए और माता देवकी गर्भ में जब प्रभु आए उनकी सबके सब स्तुति कर रहे हैं। बोले सत्य व्रतम सत्य पराम त्रिसत्य सत्य स जोनि निहितम च सत्य सत्य स सत्य अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपद्ये। भगवान कह रहे हैं प्रभु आप सचमुच से सत्य स्वरूप हो, सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य को हम सब के सब ध्यान करते हैं। आपका धाम भी सत्य, आपका भक्त भी सत्य, आपका प्रतिज्ञा भी सत्य, आप त्रिकाल सत्य गलव आप ही हो प्रभु, इसलिए सब के सब देवता भगवान को स्तुति कर रहे थे। बोले हे प्रभु जो लोग आपका चरण कमल को छोड़ करके ज्ञान मार्ग में जाते हैं, भगवान को ब्रह्म मान करके अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि और ब्रह्म बनना चाहते हैं, लेकिन आपका चरण कमल को अनादर किया है, बोले कठोर तपस्या करके कठोर साधन करके ज्ञान मार्ग में अगर बहुत उच्च स्तर को पोस्ट को प्राप्त करने पर भी तो पतन दिया था, उनको पतन होता है, लेकिन हे प्रभु केवल तेरा भक्त का ही पतन नहीं तो ज्ञानी का भी पतन है, जोगी का भी पतन है, कर्मी का भी पतन है, लेकिन केवल तेरा भक्त का ही पतन नहीं होता। तेरे भक्त तो जो विघ्न देने वाले उनका सिर पर प्यार रख करके ये विचरण करने वाले हैं, हाँ, इसलिए आप भक्त लोग कैसे भवसागर को पार हो जाते हैं, जैसे गैया की खूर में जितना पानी जमा होता है जैसे उसको हम आसानी से पार हो जाते हैं, कि तेरे भक्त लोग तो भवसागर को तेरी भक्ति करते करते तेरी भजन करते करते ये आसानी से भवसागर से पार हो जाते हैं। सारे देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे थे, गर्भ स्तुति कर रहे थे, अभी भगवान प्रकट होने वाले। इसी जगत में देखो साधारण अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कोई मिनिस्टर आए, हाँ, उनके लिए कितने सजावट होता है, अभी विश्व ब्रह्मांड का मालिक आने वाले तो उनके लिए कितना सजावट होनी चाहिए, इसलिए ब्रज गोपियां गोपी गीत का प्रथम श्लोक में गाती हैं, बोले जयति ते भिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दैत दृक्षताम दीक्षुतावका तोई धृतात सब त्वांग विचिन्नते। कहते हैं प्रभु आप जब आए ये पृथ्वी तो एकदम दुल्हन का भांति सज गई। बोले क्यों? बोले प्रभु आ रहे हैं ना, भगवान आ रहे हैं, जैसे एक स्त्री पति आने पर बड़ी सुंदर श्रृंगार करती है, अभी असली पति भगवान आ रहे हैं, एकदम 16 श्रृंगार द्वादश आभरण से पृथ्वी सज धज गई। बोले कारण क्या? बोले केवल एक ही कारण है, भगवान हर अवतार में प्रभु पादुका पहने, लेकिन कृष्ण ही ऐसे एक अवतार हुए जो बिना पादुका के द्वारा भगवान वृंदावन में गैया चराने के लिए गए खाली पैर में। मैया जसना ने बोली लाला तू गैया चराने जाओगे तेरे पैर में दर्द होगा बेटा, तेरे लिए हम जूती बना देते। बोले मैया हम गोपाल है, गैया तो हमारा इष्ट है, जो हमारा इष्ट हम सेवक है, हमारा इष्ट का जूती नहीं और छतरी नहीं, हम उनका सेवक बन करके छतरी और जूती पहन करके जाएंगे? माँ नहीं, अगर मेरे लिए अगर जूती अगर छतरी बनाओगे तो पहले सब गैया के लिए एक जूती बना दो, सब गैया के लिए एक छतरी बना दो, फिर तो मैं जूती और छतरी पहन करके जाऊंगा। हाँ, इसलिए भगवान केवल नंगे प्यार से पूरा वृंदावन धाम में भगवान विचरण किए। इसलिए अभी जो लोग ब्रजमंडल परिक्रमा जाते हो देखे होंगे अभी भी कृष्ण का ब्रज में जहां पर प्रभु खड़े होकर के बंसुरी बजाए पूरा पूरा पहाड़ का पहाड़ द्रवीभूत हो गया। अभी भी कृष्ण का चरण छाप कितने स्थान में अभी भी पड़ा हुआ है। इसलिए पृथ्वी सोच रही है अहोभाग्य भगवान जन्म लेने पर नंगे प्यार में प्रभु भ्रमण करेंगे, मेरे को अपना चरण की स्पर्श देंगे, इसलिए उनको जो जो घास है वो घास नहीं जैसे शरीर रोमांचित हो रहा है, हाँ, कब झरना नहीं जैसे आनंद से अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं।
पृथ्वी इतने सुखी हो गए, इसलिए पृथ्वी सुखी हो रही थी, मतलब जितने नदियां बड़ी प्रसन्न हो रही थी, विशेष करके जमुना नदी तो इतने खुश हो रही थी, मतलब जमुना तट से जब निकल रही थी कलकल नाद करते हुए, कन्हैया की जय जयकार करते हुए निकल रही थी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले श्री जमुना महारानी की जय। बोले जमुना क्यों खुश हो रही थी, बोले मेरी सौभाग्य का क्या ठिकाना है, केवल कृष्ण अवतार में प्रभु जमुना में जल विहार करेंगे, पानी में पानी पिएंगे, नौका विलास करेंगे, राधा रानी सखियों को लेकर जल जल क्रीड़ा करेंगे, और मेरे को जमुना कौन है, केवल विशाखा का सखी है, राधा रानी की दूसरा प्रकाश है, और कहते ब्रज में तो वो विशाखा सखी बनेगी, कृष्ण का सखी जो ललिता विशाखा, जब कृष्ण द्वारका में जाएंगे फिर उनका पटरानी जमुना महारानी है, पटरानी कहते वहां मेरे को पटरानी बनाएंगे, ब्रज में अपना सखी बनाएंगे। जमुना बड़ी प्रसन्न हो रही थी और जितने और नदियां वो बड़े खुश हो रही थी। बोले क्यों, बोले मूल नदी जमुना को मानी गई, ये बड़ी बहन है और सब नदी की छोटी बहन है। अगर प्रभु जब जमुना को अपना पटरानी बनाएंगे और नदियां क्या बन गई, साली बन गई ना, कहते हम सब साली बनेंगे। कभी दामाद क्या करता है, पत्नी को तो प्रेम करते हैं, कभी कभी पत्नी से भी ज्यादा साली को कभी कभी प्रेम भी करते हैं, कदम साली जब बनेंगे भगवान हमें भी प्रेम करेंगे, इसलिए सब नदियां सबके सब खुश हो रही थी। कभी कमल फूल खिल गया, बोले कमल फूल कैसे खिला, आपको पता है कमल फूल दिन में खिलता है, रात में नहीं, वो दिन में खिलता है सूर्य का किरण से, लेकिन रात में कमल फूल खिल गया। बोले क्यों, जब संत लोग भगवान का शरीर का जब तुलना देंगे, प्रभु कैसे हैं, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रह। क्या उदाहरण देंगे, बोले भगवान का हस्त कमल, भगवान का चरण कमल, नाभि कमल, मुख कमल, सब भगवान का क्या उदाहरण देते हैं, कमल को साथ में, इसलिए कमल बड़ी खुश हो रही थी, मेरा सौभाग्य की ठिकाना नहीं, इसलिए वो दिन रात में भी कमल फूल खिल गया। दूसरा कारण बताए, कभी चंद्रमा का किरण से क्यों खिला, तो उसको भ्रम हो गया, क्योंकि भगवान कौन सा वंश में आए, बोले प्रभु चंद्र वंश में आए, राम कौन सा वंश में आए, सूर्य वंश में। जब भगवान सूर्य वंश में आए, श्री तुलसीदास वर्णन कर रहे हैं तुलसीकृत रामायण में, कद प्रभु जब राम प्रकट हुए, प्रभु राम कितने बजे प्रकट हुए, एकदम तीन दोपहर में, क्योंकि सूर्य का जो सबसे प्रचंड तेज है दोपहर में, इसलिए प्रभु राम 12 बजे जन्म हुए हाँ, और सूर्य का पूर्ण समय है। जब प्रभु राम प्रकट हुए सारे अयोध्या वासी आनंद ले रहे थे, कद सूर्य एक जगह में एक महीना तक खड़ा रहा, वहां से हटा ही नहीं, सबके सब अयोध्यावासी राम जन्म महोत्सव में इतने प्रसन्न हो, उनको पता नहीं चला एक महीना कैसे बीत गया। अभी जो चंद्रमा थी, चंद्रमा एक कोण में खड़े होकर रो रहा है, राम ने कहा चंद्र सारा दुनिया में जन्म लेने पर सबके सब नाच रहे गा रहे और तू कोण में खड़े होकर रो रहे हो, तू रो रहे हैं क्यों, बोले प्रभु रोऊंगा नहीं क्या, हंसूंगा, बोले क्यों रोओगे, बोले प्रभु सब आपका आनंद ले रहे और मैं बोले बाकी रह गया, बोले क्यों, बोले देखो ये सूर्य एक जगह से हट नहीं रहा है, सूर्य जब नहीं हटेगा चंद्रमा कैसे आएगा हाँ, सूर्य हटने पर तो चंद्रमा आएगा, कि तो हट रहे एक महीना से एक जगह पर खड़ा हुआ, अरे मैं आऊंगा कैसे, इसलिए प्रभु मैं तो बड़ा दुखी हूँ। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, ये अवतार में तो मैं सूर्य वंश में आया हूँ, अगली अवतार जब लूंगा मैं चंद्रवंश में आऊंगा। बोले प्रभु पता नहीं कब आओगे चंद्रवंश में, मैं तो अभी बच्चित हो गया। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, मेरा नाम तो होगा राम, लेकिन तेरा नाम तो मैं जोड़ लूंगा, सबके सब मेरे को राम चंद्र कहेंगे, अभी तो खुश हो, बोले प्रभु हम खुश है, इसलिए अभी चंद्रवंश में प्रभु आए, इसलिए जब प्रभु चंद्रवंश में आए, ये चंद्रमा कृष्ण कितना बजे, रात 12 बजे, राम तो आए दिन के 12 बजे और कृष्ण आते हैं रात का 12 बजे, जिसमें चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश, लेकिन प्रभु अष्टमी रात्रि में आए, अष्टमी रात्रि में चंद्रमा आता पूर्ण नहीं, लेकिन चंद्रमा इतना प्रसन्न हो गया प्रभु मेरे वंश में आ रहे हैं, इसलिए चंद्रमा एकदम पूर्ण रूप में प्रकट हो गया, और चंद्रमा में इतने प्रकाश था, जिस प्रकाश से
ये कमल पुष्पों को भ्रम हो गया, ये चंद्रना सूर्य है, क्योंकि सूर्य का किरण से कमल फूल खिलता है, उसको भ्रम हो गया ये चंद्र ना ये सूर्य है, इसलिए रात को भी ये कमल फूल खिल जाता है। लेकिन कहते हैं जब प्रभु आए उसी समय रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, हाँ बारिश ही हो रही थी। अभी क्या हुआ, बारिश नीचे जो बादल नीचे और चंद्रमा ऊपर रहता है, हाँ चंद्रमा ऊपर और बारिश रहता है नीचे। अभी बारिश और ये बादल और चंद्रमा में युद्ध लड़ाई हो गया, क्योंकि चंद्रमा का प्रकट छाया कब बढ़ेगा, जब मेघ हट जाए, हाँ तो मेघ नीचे और चंद्रमा ऊपर है तो वो प्रकाश कैसे आएगा। चंद्रमा कह रहे मेघ को ए सामने से हट जा, मैं कह रहा है हटूंगा क्यों, बोले तेरे को पता नहीं प्रभु कौन सा वंश में आ रहे हैं, बोले चंद्र वंश में आ रहे हैं, बोले तेरे वंश में तो आ रहे हैं लेकिन किसका रंग धारण करके आ रहे हैं ये तो बताओ। प्रभु का रंग क्या है, मैं हाँ इसलिए हमारे कहते पहले अभिनव जलधारा सुंदर द्रुत मंदर, कहते भगवान का जो रंग है अभिनव जलधारा सुंदर, वो भगवान का रूप है, नव जलधारा घनश्याम रूप है, एकदम बादल का रंग है, बरसालु मेघ का रंग है। बोले प्रभु मेरा रंग धारण करके आ रहे हैं, बोले भले ही तेरा रंग धारण करके आएंगे लेकिन तेरे से ज्यादा सौभाग्य मेरा है क्योंकि प्रभु मेरे वंश में आ रहे हैं। हट जा मेरे सामने से। देवता लोग ने कहा भैया ये लड़ाई का समय थोड़ी है, अभी तो आनंद लेने का समय है, भाई तुम भी थोड़ा हट जा, तुम भी प्रभु का जन्म महोत्सव दर्शन कर और ये चंद्रमा भी दर्शन करे, इसलिए दोनों दर्शन करो, दोनों खुश हो जाओ। थोड़ा फिर बादल थोड़ा हट गया, अभी सारा दुनिया कृष्ण का जन्म महोत्सव को आनंद ले रहे। यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं कि जब आकाश में मेघ छा जाए आ जाए विशेष करके चार व्यक्ति खुश होते हैं। अभी कृष्ण रूपी मेघ अभी प्रकट होने वाले हैं, बोले कौन आकाश में मेघ देख कर कौन कौन खुश होता है, बोले पहले किसान खुश होता है क्योंकि खेती कब होगा, जब बारिश के बगैर खेती तो नहीं हो सकता है। कहते यहाँ पर किसान कौन है, बोले पितामह ब्रह्मा, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं जगत को, वो खुश क्यों हो रहे हैं। कहते दैत्य लोग आकर के इतने उत्पीड़न कर रहे हैं, सारे जनता को परेशानी परेशानी कर रहे हैं, उनका जो खेती खेती जीव जगत है उनका खेती है, अब इसको सबके सब खत्म हो रहा है। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा भगवान कृष्ण रूपी मेघ अभी छा गए, इतने में पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो रहे हैं, बोले क्यों, बोले परित्राण साधु नाम बिना साज दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे, इसलिए पितामह ब्रह्मा खुश हो रहे थे। दूसरा व्यक्ति कौन खुश होता है, बोले मोर खुश होता है। आप देखे होंगे मोर कब नृत्य करता है, जब आकाश में मेघ छा जाए घड़घड़ आवाज होने लगी रिमझिम बारिश होने लगी फिर तो मोर थिरक थिरक नाचता है, हाँ इसलिए कहते मोर खुश हो रहा था। बोले यहाँ पर मोर कौन है, बोले श्री नीलकंठ श्री शंकर जी, शंकर जी खुश हो रहे थे। बोले क्यों, बोले भगवान कब जन्म ले, कब प्रभु का लीला दर्शन करो। आप लोग सुनेंगे कल कैसे कृष्ण जन्म होने पर शंकर भी स्वयं दर्शन करने के लिए प्रभु जी को जोगी बन करके प्रभु स्वयं आते हैं, और जो नंद गांव है वो स्वयं शंकर जी नंदीश्वर रूप में प्रकट हुए प्रभु की सेवा करने के लिए। इसलिए शंकर जी हर अवतार में प्रभु का लीला रस का आस्वादन किया है, इसलिए शंकर जी प्रसन्न हो रहे थे। बोले तीसरा व्यक्ति कौन संतुष्ट होता, बोले चातक, चकोरा एक चिड़िया है वो किसी नदी का नहीं तो किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो केवल स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है, इसलिए चातक हर समय चकोरा प्यासा हम प्यासा हम प्यासा हम ऐसे चिल्लाता रहता है, बोले प्यास ही पानी 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 पानी, हाँ कहते ये कौन है, जब स्वाधीन नक्षत्र मतलब आकाश जब बारिश हो केवल उसी पानी को पिएगा, नीचे का कोई पानी नहीं पीता है। कहते यहाँ पर चातक स्वरूप कौन है, बोले भक्त है नारद आदि भक्त लोग है, हाँ ये लोग क्या है, बोले प्रभु का लीला रस का आस्वादन करते हैं, केवल प्रभु की कृष्ण लीला को छोड़ करके और किसी चीज को नहीं सुनते हैं, इधर उधर चीज केवल नहीं सुनते प्रभु कथा ही श्रवण करते हैं, ये भक्त रूपी चातक है। बोले चौथा व्यक्ति कौन है, बोले दावा नल में दग्ध हाथी, जब जंगल में आग लग जाए वो कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं करता है, वो हाथी को बड़ा कष्ट होता है आग लगने पर इधर उधर भागता रहता है,
कल कब ये आग बुझेगा? जब आकाश से बारिश हो, हाँ धूमधाम अगर बारिश हो जाए फिर तो पानी को द्वारा बुझती है। कभी यहाँ पर कौन है? कभी सारे देवता लोग हैं। बड़े परेशानी दर्शन करते आचार्य जी, बोले कब कृष्ण आए, कब ये दुष्टों को बंद करे। इसलिए समझो संपूर्ण पृथ्वी, भगवान अभी जन्म लेने वाले हैं, संपूर्ण पृथ्वी कृष्ण महोत्सव में सबके सब आनंद ले रहे हैं और भगवान की सबके सब स्वागत कर रहे हैं। हम भी दो मिनट प्रभु का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणा सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कन्हैया लाल की जय। अभी भगवान कृष्ण कहते भादो की महीना, कहते भादो का महीना है, भादो का महीना वो होता है बरसात का समय, लेकिन बरसात का समय में भी वो शरद ऋतु आ गई। क्यों? भगवान जन्म हो रहे हैं, मानो छह ऋतु एक साथ में प्रकट हो गई प्रभु की सेवा करने के लिए। हाँ, इसलिए अभी जब छह ऋतु प्रकट हो गए, प्रकट होकर के सबके सब जितने जुई बेली चमेली जो अलग अलग ऋतुओं का जो पुष्प है सबके सब एक साथ में प्रकट हो गए। बोले क्यों? बोले भगवान जन्म हो रहे हैं इसलिए सबके सब प्रभु की सेवा करने के लिए प्रकट हो गए। बोले जो अग्नि कुंड था, कहले अग्नि कुंड में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गया। कहते ये त्रेता युग में यज्ञ था, कहते बगैर हवन सामग्री के त्रेता युग में ही हवन कुंड से अग्नि प्रकट होता था, लेकिन द्वापर युग में कंस ने आज्ञा दिया था मेरे देश में कोई हरि कीर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जितने संतों लोगों का पता नहीं भगवान आ रहे ना, संतों लोगों का हृदय में इतने आनंद भराया, कंस जो आदेश दिया था हरि कीर्तन नहीं कर सकते, संत लोग मृदंग करताल उठाया, बोले हमको कौन मना कर सकता है भजन के लिए, कि प्रभु आ रहे ना, अपने आप सभी का हृदय में आनंद से आ गया। और जितने संत लोग थे सबके सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, भक्त लोग सब आनंद में भर गए, सबके सब हरि कीर्तन करने लग गए। अभी भगवान इतने में देव की वसुदेव को कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान हरि प्रकट होते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसको हटा दो, बैठो जा। बोल श्री नंद के लाला की जय। बोल श्री कृष्ण कन्हैया की जय। अभी कृष्ण प्रकट हो गए, लेकिन जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए उस समय प्रभु चतुर्भुज लेकर के प्रकट हुए थे। देवकी वसुदेव ने बोले प्रभु ये क्या है, आपको तो हमने संतान रूप में प्रार्थना किया था, आप ये चार भुज लेकर के आ गए। बोले इसलिए आए, बोले हमको तो कंस तो बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं कंस क्या कर लेगा। बोले इसलिए तो मैं शंख चक्र लेकर के आया हूँ, अगर मामा कुछ बोलेंगे ना छोड़ूंगा नहीं, इसलिए पहले से रेडी होकर के आया हूँ। इसलिए आप
चिंता मत करो, डर मत, डरने का कोई ये नहीं। जोगी वसुदेव का प्रभु हम चाहते पुत्र रूप में कर देखो, पूर्व जन्म का स्मरण दिलाने के लिए आया हूँ। पूर्व जन्म में तुम दोनों ने प्रश्न और सुतपात राज्य सुख भोग नहीं किया, पत्ते और केवल पानी पी पी करके मेरा 10,000 साल तक मेरी तपस्या की है। मैं जब संतुष्ट होकर के दर्शन दिया, तुम लोगों ने यही प्रार्थना की थी मेरे जैसे एक बेटा हो, मेरे जैसे तो कोई बेटा होता ही नहीं, इसलिए मैं बोला था मैं स्वयं आऊंगा, इसलिए स्मरण कराने के लिए जन्म हुआ हूँ। देखो अभी तो मैं छोटा बालक बन जाऊंगा, मेरे को यहाँ से ले जाना गोकुल में, गोकुल में जसोदा गर्भ से एक सुंदर बेटी जन्म होगी और मेरे को वहां रख करके बेटी को ले आना। बोले प्रभु ये कैसे होगा, अभी तो हमारा हथकड़ी बड़ी बड़ी हुई है और इतने बड़े बड़े ताला लगा हुआ, पहरादार जग रहे हैं, प्रभु कैसे होगा। बोले चिंता नहीं, ये अपने आप सब हथकड़ी बड़ी खुल जाएगी, ताला खुल जाएगा, सब सब ठीक हो जाएगा। बोले कब, बोले जब मेरे को अपना सिर पर रखोगे। यहाँ पर प्रभु सिखा देते हैं, जब हम प्रभु को सिर पर रखना मतलब है जब हम कोई काम कर रहे हैं, अगर स्वयं करने के लिए चाहोगे तो नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर प्रभु को सिर पर रख लो मतलब प्रभु को आगे करके कोई काम कर रहे हो, लेकिन प्रभु को आगे करके सब काम करो। हम किस लिए कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। प्रभु स्वयं कहते हैं मेरे तरफ में कोई एक कदम बढ़ाए तो मैं उसको तरफ में 10 कदम बढ़ाता हूँ। इसलिए अभी देवो की बलि उनको बहुत दूर तक ले जाओगे, बच्चा भूख लगेगा, कम से कम एक बार तो उसको दिन में दूध पिला दो। देवकी उसको एक बार स्तन पान कराए, वहां पर सूप पड़ा हुआ था, भगवान को रख करके जब सिर पर रखे अपने आप हथकड़ी बड़ी अपने आप खुल गई, दरवाजा अपने आप खुल गया, पहरादार अपने आप सो गए, सारे रास्ता साफ हो गया। इसका मतलब है भगवान को सिर पर रखो, भगवान के लिए करो, तुम्हारी रास्ता सबके सब खाली हो जाएगी, जो असंभव है वो भी संभव बन जाएगा। अभी उन्होंने रिम झिम बारिश हो रही थी, भगवान अनंत देव सर्प रूप में आकर के भगवान का सिर पर छत्री रूप में भगवान को रक्षा कर रहे थे। अभी वसुदेव महाराज जब यमुना में आए, देखा लपालप पानी भरा हुआ, बोले इसको हम पार कैसे करेंगे। जब यमुना नदी में उतरे, अभी यमुना देख रहे अहो भाग्य है, मेरे प्रभु है, कम से कम मेरे प्रभु का चरण तो स्पर्श करो। अभी यमुना धीरे धीरे उफनने लग गया, इसलिए अभी एक स्थान है जब यमुना गले तक आ गया पानी, वसुदेव महाराज डर गए, तब उन्होंने कृष्ण को रख करके सिर पर, बोले कोई हो तो ले लो, कोई हो तो मेरे लाला को बचा लो। इसलिए अभी भी जहां पर उन्हें ये लीला हुई थी, अभी भी वो स्थान का नाम, गांव का नाम को ले, मतलब उन्होंने बोला कोई हो तो ले लो, मेरे बच्चे को बचा लो, क्योंकि यमुना चाह रही थी प्रभु का चरण स्पर्श करेंगे। इतने में भगवान ने पीछे से चरण बढ़ा दिया और यमुना देवी भगवान का चरण को स्पर्श करके फिर नीचे उतर आती है। फिर सामने देखा कि सियार जा रहा है, जोग माया सियार का रूप धारण करके आ गई। बोले इतना सा पानी, फिर तो वसुदेव महाराज पार होकर के आ गए कहां, ब्रज में। वहां पर अभी नंद रानी के गर्भ से 2 संतान जन्म हुए, कहते कि कन्हैया और किस जोग माया 2 संतान जन्म हुए। अभी देखो ब्रज में क्या होता है, कहते श्री ब्रज में, कहते श्री परजन्य महाराज का 5 बेटे, हाँ परजन्य मतलब होता है बरसा, हाँ मेघ, कहते उनका 5 बेटे हैं, कहते उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन, इनका 5 बेटे हैं। 5 बेटे में नियम है सबसे बड़े बेटे को ही राज सिंहासन मिलता है, लेकिन श्री नंद बाबा बीच का बेटे है, हाँ उदाहरण दिया जैसे पंच पांडव है, लेकिन बीच में कौन है, अर्जुन, पंच पांडव बीच में अर्जुन, इसलिए 5 पांडव में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बना देता, कृष्ण का सखा है, हाँ उसी तरह ये भी 5 बच्चे हैं, लेकिन श्री नंद बीच में श्री नंद बाबा है, इसलिए कभी कृष्ण का स्वयं पिता है, इसलिए सर्व गुण संपन्न है। जब श्री परजन्य महाराज सबसे बड़े बेटे को राह सिंहासन पर अभिषेक करने जा रहे थे, उपानंद ने स्वयं बोले, बोले पिताजी यद्यपि मैं सबसे बड़ा संतान हूँ, लेकिन अगर कोई सर्वगुण संपन्न है ये नंद है, इसके हृदय में जो भावना सब प्रजा के प्रति अपना बात्सल रूप है,
बेटर रूप में, इसलिए मैं चाहता हूं मेरे बीच भैया को राज सिंहासन में अभिषिक्त किया जाए। इसको सुन करके देवता लोग भी प्रसन्न हो गए, सारे प्रजा भी प्रसन्न, सब प्रजा यही चाह रहे थे, लेकिन नियम से बड़े बेटे राजा बने, लेकिन सब प्रजा प्रसन्न हो गए। उपानंद ने कहा ऊपर से मैं सब कुछ देखूंगा, लेकिन राजा तो श्री नंद बनेंगे। सारे देवता लोग खुश होकर के पुष्पों की बौछार की, बोले श्री नंद बाबा की जय। अभी चार भाइयों का बच्चा है, लेकिन श्री नंद बाबा के कोई घर में संतान नहीं, इसलिए नंद बाबा ने बड़े उन्होंने तपस्या की उन्होंने, और उन्होंने जाग यज्ञ बहुत बहुत उन्होंने कुछ किया है, एक बेटा हो जाए, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, इसलिए नंद बाबा दुखी है। एक नंदगांव में एक शंकर जी जिनका नाम आशीश्वर महादेव है, नंद बाबा उनको उपास जो परजन महाराज उनको उपासना किया, बोले मेरे सारे बेटे का संतान, लेकिन नंद का कोई बेटा नहीं। इतने में आकाशवाणी हुई, कोई चिंता मत करो, तुम्हारा ऐसे एक नाती होने वाला विश्व ब्रह्मांड को, जो कि तुम्हारी नाम की जय जय करने वाले विश्व ब्रह्मांड में तुम्हारा नाम होगा। हाँ, इसलिए अभी मैया जसोदा अभी इतने उम्र हो गई, माताओं का एक उम्र होता है जिस उम्र में और कोई संतान होने का कोई चांस नहीं। मैया को उम्र भी हो गई, लेकिन उनको मन में ये विश्वास टिका हुआ है नहीं हमारे संतान होगा, इनको मन में ये भावना है। हाँ, इसलिए एक समय क्या हुआ, गांव में कुछ संत लोग आए, संत लोगों ने नंद बाबा को कथा सुनाया, देखो देखो जो ना करे लकीरी कहते सो करे फकीरी, समझ रहे हो, लकीरी मतलब होता है भाग्य, कहते जो भाग्य तुम्हारा नहीं कर सकता है सो करे फकीरी, फकीरी मतलब संत है, कहते अगर संत की कृपा हो जाए, अगर कोई संत सचमुच से कोई संत हो, भजन करने वाले भक्त हो, अगर कोई वाणी उनको मुंह से निकल जाए, भगवान अपना प्रतिज्ञा रखा करके अपना भक्त का प्रतिज्ञा को प्रभु पालन करते हैं, भक्त वाणी में इतनी शक्ति है। हाँ, इसलिए कहते अगर किसी संतों की कृपा हो जाए कलनंद बाबा पर सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। उनने संत महिमा खूब गाए, नंद बाबा ने कहा जब आप लोग कृपा करके आए हो, जब गंगा बहते हुए आए उसमें गोता क्यों नहीं लगा लेते, कहते मेरे ब्रज में भी गोकुल में कुछ दिन रह जाओ, मैं भी संतों की सेवा करना चाहता हूँ। नंद बाबा खूब संतों को सेवा किया, संतों को पता चला नंद बाबा घर में सब कुछ है लेकिन घर में कोई संतान नहीं, इनकी इच्छा घर में बेटा के लाला हो जाए। एक दिन संतों लोग बैठ करके आपस में बात कर रहे थे, एक ब्रजवासी जाकर के देखा ये बाबा लोग बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं नंद के लाला कब है, वो नंद का लाला कब होगा। आकर नंद बाबा को बोले, बोले बाबा ये संतो लोग तो आपस में बात कर रहे थे नंद के आपका लाला कब होगा, बोले तुमने सुना ये बात को, बोले हाँ अपना कान से सुना, बोले जब संतो लोग बोल रहे हैं मेरे लाला होगा, मेरा तो जरूर लाला होगा, क्योंकि संतों का वाणी को प्रभु रक्षा करते हैं। सचमुच से वृद्धावस्था में मैया जसोदा गर्भधारण करती हैं संतों का आशीर्वाद से। कहते श्री आनंद वृंदावन चंपु में कवि कर्ण पुरुष का सुंदर वर्णन कर रहे हैं, कहते एक रात में नंद बाबा और मैया जसोदा जोनो एक रात में उन्होंने स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न था, बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयना बालस्तबांक स्थले, उन्होंने स्वप्न देखा सवेरे होते ही, और वो जो स्वप्न था एकदम सवेरे का स्वप्न, जो सवेरे का स्वप्न होता है वो सच होता है। उन्होंने स्वप्न देख करके दोनों दोनों को बोले, नंद बाबा ने बोले जसोदे रात को मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा, स्वप्न नहीं मानो सही जैसे। बोले क्या देखे हो, बोले मैंने देखा तेरे गोद में एक श्याम सलोना सा सुंदर बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा है और तेरे दूध पी रहा है, और दूध पीते पीते दोनों धार से दूध बहते हुए उसका जो कुर्ता भीग रहा है, मेरे को स्वप्न नहीं देखा सचमुच से जैसे लगा। नंदरानी ने बोले आप जब स्वप्न बोले हो मैं भी स्वप्न देखी हूँ। बोले क्या देखा, बोले एक सुंदर बालक श्याम रंग की मेरे पीछे 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 आ रहा है, मेरे कपड़े खींचते, बोले मैया मैया मेरे को गोद में उठा ले, मेरे को दूध पिला ले, दोनों दोनों को स्वप्न बोले। और उसी रात में ही मैया जसोमती गर्भ रहती है, पूरा ब्रज मंडल में हला हो गया, श्री नंद रानी के लाला होने वाले हैं।
श्री नंद के लाला की जय, श्री कृष्णा कन्हैया की जय। जितने ब्रज में, क्योंकि अभी राजा का बेटा नहीं था, राजा का बेटा होगा तब तो राज्य करेगा, सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। जितने ब्रज गोपियां 6-6 महीना पहले तो 84 गज की लहंगा बना करके, बड़े सुंदर चुनरी बना करके रखे, बोले नंद के जब लाला होएगा हम सब बधाई देने जाएंगे इसको पहन करके। एकदम ब्रज में अभी सबके सब ब्रज मंडल में आनंद में भरा पड़ा हुआ ब्रज मंडल है, सबके सब प्रसन्न हो रहे हैं। अभी कुछ लक्षण होता है स्त्रियों में, अभी तो जैसे मशीनी है बता देता है बेटा होगा ना बेटी होगा, पहले बूढ़े बड़े बड़ी जो माता है वो देख करके बता देते, इतने उनको अंदर में अंदाज थी। देखा मैया जसदा गर्भ को, एक गोपी ने बोली मैया जसदे तुमने कुंवारी पड़े में जुड़वा केले तो नहीं खाई? बोले क्यों? बोले ऐसे लगता है तेरे पेट में 2 बच्चे है। बोले 2 बच्चे? डर गई। बोले डर रहे क्यों? राम जो करेगा अच्छा ही करेगा, चिंता मत करो। सचमुच से मैया गर्भ में कृष्ण और जोग माया दोनों बच्चे थे। एक बड़ी गोपी ने बोली बोले तेरी जो होठ है ना वो पीले पीले रंग लगा है, लग रहा है तेरे गर्भ में लाला है। सचमुच से कहते पीले पीले अगर होठ हो कहते गर्भ में पता चलता है इस गट में लाला होने वाले, ये सब बड़े बुढ़ियों का सो बात है कि तुम्हारे गर्भ में लाला होने वाले। अभी मैया जो था बड़ी इंद्रियों को दमन करने वाली, लेकिन अब माताओं को पता गर्भ में बच्चे हो तो उनको चटपटी चीज मुखर चीज अच्छी लगती है। मैया जसोदा बोली मेरे को खीर खाने की इच्छा हो रही है, तो उनको गैया दूध का खीर बना करके घी डाल करके तुलसी पत्ता डाल करके भगवान को भोग लगाए नारायण को और मैया जसोदा को खीर खिलाए। अभी नंद बाबा की जो बहनी थी सुनंदा, अभी ये सुनंदा आकर के सारे घर का काम काज देख ली, भाभी गर्भवती है अभी संसार कौन देखेगा, अभी बहनी आकर के घर का काम काज कर रही है। घर की अष्टमी की रात्रि भादो की महीना लग रहा था मानो रोहिणी नक्षत्र, लग रहा था मानो आज रात में बच्चा हो जाएगा, कुछ कुछ लक्षण होता है। बोले देखो गांव में तो 8 बजे तक सब जगे रहते हैं, उसके बाद में सो जाते हैं, एक काम करो 2 घंटा 2 घंटा ड्यूटी लगा लो, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2 करके। अभी जून को 10 से 12 बजे तक ड्यूटी लगाया, इतने में जोग माया आकर के सब लोग सुला दिया, किसको पता ही नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ। कब श्री वसुदेव महाराज आए, देखो यहाँ पर गृहस्थ की बात सुनो, कहते यहाँ पर वसुदेव महाराज कृष्ण को लेकर के आए। बोले सिर्फ मैया जसोदा गर्भ से 2 बच्चे हुए हैं, पहले तो कृष्ण हुए उसके बाद में फिर जोग माया हुई। अभी प्रश्न है अगर 2 कृष्ण एक जसोदा की अगर देवगी की फिर और एक कृष्ण कहाँ चले गए, ये प्रश्न है। कहते जो ब्रज में जो कृष्ण हुए जसोदा की, कहते ये पूर्णतम कृष्ण हुए हैं, अब मथुरा में जो कृष्ण हुए वो अंश कृष्ण हुए हैं, इसलिए से वसुदेव महाराज जो वो अंश कृष्ण को लाए, जो पूर्ण कृष्ण वो अपना शरीर में एक करके मिला दिया। लेकिन ये चीज को वसुदेव महाराज नहीं समझे, इसके पीछे बहुत रहस्य है, भागवत में बहुत उदाहरण, हम इसको कल सुनाएंगे कहां कहां ये बात भागवत में कहां कहां पर लिखा हुआ, हम इसको कल आपको सुनाएंगे सब बात। हाँ कारण उसको पीछे क्या कारण था, अभी पता नहीं ये देवकी कब, ये वसुदेव महाराज कब आए और कृष्ण को रख करके यहाँ से जोग माया को लेकर कब चले गए किसको पता ही नहीं चला। सबरे सुनंदा की आंख खोलती है, जब आंख खोलते बोलते पता नहीं भाभी का क्या हुआ, रात को लग रहा था जैसे बच्चा होगा, इतने में सुनंदा सवेरे आकर के जब दरवाजा खोलती है देखा मैया जसोदा की गोद में एक श्याम सलोना सा बालक किलकल मारते हुए खेल रहा है। मैया जसोदा जन्म होने पर थोड़ी सी मीठी मीठी दर्द हुई, उसमें मैया जसोदा सोई पड़ी हुई, कन्या को दर्शन करके तो खुश हो गई। बोले श्री नंद के लाला की जय, श्री कृष्णा कन्हैया की जय। अभी सुनंदा सोच रही है ये पहला खबर पहले में भैया को दूं, क्योंकि भैया को पहला खबर दूंगा तो राजा है ना मेरे को 9 लाख हार मिलेगी। लेकिन हे भैया है कहा, उन्हें ढूंढने लगा भैया कहाँ है, देखा भैया तो बड़े बूढ़ों के बीच में बैठ कर माला जप कर रहे, माला में थोड़ी मन माला नहीं जप कर रहे थे, ऐसे लग रहा था ये सोच रहे थे कब छोरा होएगा कब लाला होएगा कब लाला होएगा, यही सोच रहे थे। इतने में श्री आकर के सुनंदा ने कहा भैया कमाल है गयो है, आश्चर्य हो गया है। नंद बाबा सुनते तो छलांग लगा दिए, मतलब बहन बताओ कहाँ भयो है,
बोले बताओ मेरे को मिलेगा क्या बताए, बोलो मेरे को क्या दोगे दहेज रूप में, बोले लो ट्रेजरी का चाबी काठी तू ले ले, जो इच्छा सो ले लेना। बताओ मेरा कहा भयो क्या हुआ है, बोले बाबा तेरे घर में लाला भयो है, तेरे घर में बच्चा लाला मतलब बेटा हुआ है। बोले श्री नंद के लाला की जय। फिर तो नंद बाबा जी आनंद की सीमा नहीं रही। फिर नंद बाबा जब आ रहे थे, आकर के उन्होंने पहले साधु संतों को भक्त लोगों को बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाए, बोले ये वृद्धावस्था में मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिला है, इसलिए पहले इनको बुला करके इनका आशीर्वाद, बच्चों को स्वस्ति वाचन पढ़ करके बच्चे को तुम लोग आशीर्वाद दो और पहले इनको दान दे। फिर नंद बाबा सब साधु संत ब्राह्मणों को खूब उन्होंने दान दिया, कद 7 तिल का पर्वत को उन्होंने दान दिया है, कद 20 लाख गैया को उन्होंने दान दिए, सभी को सींग को सोने में मुड़वा करके, खुर को चांदी में मुड़वा करके, सुखदेव गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं इतने धन दौलत नंद बाबा दान करते हैं, कद रमा क्रीड़न अभूत नृप, ब्राह्मण लोग गठली बांध बांध करके सोने हीरे जवाहरात को ले नहीं पा रहे थे, इतने दान दिया, वो गठली के कोने से गिरते 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 जा रहा था, इतने धन दौलत दिया और पूरा अली गलियों में ब्रज में सब जगह में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हीरे जवाहरात बिखरा हुआ था, ऐसे लग रहा था भगवान कृष्णा जन्म होने पर साक्षात लक्ष्मी प्रभु को स्वागत करने के लिए अली गलियों में नाच रही है लक्ष्मी, इतने उन्होंने दान दिया है जिसका कोई सीमा नहीं। बोले इतना धन तो कहां से आ गया नंद बाबा का, बोले कहां कौन जन्म हुए, बोले कृष्ण जन्म हुए, कहते राधा रानी कौन है, कहते मूल शक्ति साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी, कृष्ण तो अकेले नहीं आते, उनको साथ साथ में राधा रानी आती है, मूल लक्ष्मी तो राधा रानी है, जब राधा रानी जहां पर फिर उसके किस चीज की वहां पर कमी है, इसलिए अभी श्री नंद बाबा उन्होंने बरसाना भी खबर दिए। हाँ बोले बरसाना में कौन, बोले ब्रिशवान महाराज, ब्रज में 2 राजा नंद राजा ब्रिशवान महाराज, ब्रिशवान महाराज का बेटी राधा रानी, नंद बाबा का बेटा कन्हैया, अभी उन्होंने ब्रिशवान महाराज को निमंत्रण दिया, अभी पूरा ब्रजमंडल को नौता दिया, सारे के जितने ब्रज गोपियां सुंदर कान में कुंडल पहन करके आ रहे थे, जब कुंडल पहन कर आ रहे थे कुंडल बड़े जोर जोर से हिल रहा था, मानो ये कुंडल बोल रहा था हे गोपी तू जाने से पहले मेरे को छोड़ दे, पहले मैं जाकर कन्हैया को बधाई दू, कहते तो उनको चोटी सुंदर पुष्पों की माला से चोटी को बांध कर रखी थी, रास्ता में एक एक पुष्प गिर रहा था, मान उनकी चरण की वंदना कर रही थी, जो भगवान की उत्सव में जा रहे हैं सबके सब, सारे खाले दूध दही मक्खन और सबके सब मिश्री लेकर के श्री नंद बाबा को बधाई देने के लिए आए, सब तो आ गए लेकिन अभी श्री ब्रिशवान महाराज अभी कृतिका सुंदरी नहीं आए, उनको इंतजार हो रहे हैं फिर नंद महोत्सव प्रारंभ होगा। जब देखा कृतिका सुंदरी प्रवेश कर रही है, सिर पर एक में दही एक में दूध और मक्खन राबड़ी लेकर के आई, मिश्री लेकर के जब आई, इतने में एक गोप ने क्या किया कि डंडा उठाया और डंडे उठा करके जो मटकी था ना वो मटकी को जोर से मारे, मारते ही मटकी तो फूट गई और दूध दही से कृतिका सुंदरी एकदम स्नान कर ली। फिर तो जितने गोप लोग दूध दही लाए थे, फिर तो मक्खन के डेले को डेले ऊपर में फेंक रहे हैं और जितने दूध दही दही में हल्दी मिला करके दधी का आदि सभी को शरीर में लगा रहे हैं, इतने दूध दही वहां आए थे यहाँ वर्णना कर रहे हैं। नंद बाबा का जो आंगन बहुत बड़ा, राजा का आंगन है ना, बहुत बड़ा आंगन था, गंभीर आंगन दूध दही मक्खन से पूरा भर गया, ऐसे लग रहा था मानो ये दूध का कोई समुद्र यहाँ पर है, सबके सब कीर्तन गा रहे थे बधाई गा रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सबके सब कीर्तन गा रहे थे, सबके सब नाच रहे थे, लेकिन नंद बाबा बैठे बैठे कर देख रहे थे। उपानंद ने कहा नंद ये वृद्धावस्था में तेरे लाला भयो है, हाँ अरे कम से कम सारा दुनिया तेरे लाला के उत्सव में नाच रहे, अरे तू तो थोड़ा नाच ले, तेरा बेटा हुआ थोड़ा तो नाच ले। नंद बाबा शर्मा रहे थे, इतने वहां पर गोकुल के नंदगांव बरसाना का गोप लोग थे, नंद बाबा को तो पकड़कर जोर से खींच कर ले आए, कम से आज नाच ले बाबा तेरे बेटा भाई भाई, आज उनको ला करके जब बीच में ले आए यहाँ पर कवि कर्णपुर, बड़ा सुंदर बरना कर रहे कवि कर्णपुर, कह रहे नंद बाबा देखने में कैसे, बोले एकदम तपे हुए सोने जैसे, सोने का रंग जैसे,
एकदम गौरव वर्ण की, हाँ, जब उनको खीर समुद्र को जैसे लग रहा था खीर समुद्र है, जब उनको बीच में ले आए लग रहा था मानो कि मंदराचल पर्वत है। और नंद बाबा कमर में फेटे को बांध कर रखे थे, एक तरफ में नंदगांव के और दूसरे तरफ में बरसाना के गोप पकड़े हुए, देखो लग रहा था मानो ये समुद्र मंथन करेंगे। तो वर्णना कर रहे हैं समुद्र मंथन, आप सुने होंगे कि देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, हाँ, कि देवता कौन है, बोले रजोगुणी, बोले दैत्य कौन, बोले तमोगुणी, कि रजोगुणी और तमोगुणी मिलकर को समुद्र मंथन किया। और सर्वप्रथम समुद्र मंथन से क्या निकला, बोले जहर निकला, जिसको शंकर जी पान करते हैं और नीलकंठ शंकर जी धारण, उनका नाम हो गया नीलकंठ है। लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम कौन जन्म लिया, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद मामना, कि ये समुद्र मंथन से तो सर्वप्रथम कृष्ण कन्हैया जन्म हुए। नंदस्तु आत्मद जो आनंद कंद है वो भगवान कृष्ण जन्म हुए, कि वो जो समुद्र मंथन था उससे 14 रत्न निकला था। लेकिन जब कृष्ण जन्म हुए नंद बाबा इतने धन दौलत दान किया, कद अनंत रत्नों को उन्होंने दान किया, कद वो नंद महोत्सव में कद श्री कुबेर भी देखने के लिए आए थे, कुबेर धन कुबेर नंद महोत्सव, नंद बाबा इतने धन दौलत दान कर रहे थे जिसको देख देख कुबेर का सिर नीचा हो गया, बोले भगवान मेरे को झूठू मुठू का कुबेर बना दिया, ये नंद बाबा के पास में इतना संपत्ति है, मेरे घर में भी इतना संपत्ति नहीं, मेरे को झूठू मुठू का कुबेर बना दिया। कहते वो नंद महोत्सव में कहते स्वयं शंकर जी भी आए थे दर्शन करने के लिए, नंद बाबा 20 लाख गैया दान दिया, इतने गैया दान दे रहे थे शंकर जी तो डर गए, बोले इतने गैया दे रहे थे, शंकर जी का बहन था नंदी, वो सोच रहे थे ये गैया को दान देते देते मेरा जो नंदी को दान नहीं दे दे, इसलिए शंकर जी उसका पूछ पकड़ कर खड़े थे नंदी को दान नहीं देते। कहते कहते हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया, वो हाथी घोड़ा भी दान दे रहे थे, कहते मैया पार्वती भी आए थे देखने के लिए, मैया पार्वती के बेटा कौन है, बोले गजानन गणेश है, गणेश का मुंह कैसे देखने में हाथी, अभी इतने हाथी घोड़ा दान दे रहे थे मैया पार्वती तो डर गई, बोले भगवान ये इतने हाथी घोड़े दान कर रहे हैं, ये हाथी को दान देते देते भूल से मेरा जो बेटा जो गजानन है उसको दान नहीं देते, इसलिए मैया पार्वती ने किया कि गणेश जी को लेकर गोद में जोर करके चुपका कर खड़ी थी, मेरे बेटे को दान नहीं देते, इतने दान दे रहे थे वहां पर जिसका कोई सीमा नहीं है, इतने दान दिया है। बड़े सुंदर हमारे कवि लोग वर्णना करते हैं, इसलिए बड़े धूमधाम से वहां पर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हम अभी कीर्तन कर लेते हैं भगवान की, ठीक है, कल हम लोग यहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे, ठीक है, गिरिराज गोवर्धन पूजा की विशेष महत्व है, इसलिए जब ब्रजवासियों ने जब गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, कृष्ण ने पूजा करवाए तो भगवान ने वरदान दिया था, आज का दिन मेरे सेवा में जो एक किंटा चावल सेवा में लगाए भोग में किसी जीवन में अन्न वस्त्र के घर में अभाव नहीं होगा, इसलिए कल हम कृष्ण का और कुछ कथा सुनेंगे और लास्ट में श्री गिरिराज की हम पूजा करेंगे, इसलिए आप लोग हाँ देखो कल श्री एकादशी व्रत है, हाँ कल एकादशी व्रत है, एकादशी व्रत में हम अन्न भोजन नहीं करते, 5 सस्य मना है, जैसे चावल है, गेहूं है, सरसों है, दाल है, हाँ कभी ये सब चीज को हम ग्रहण नहीं करते, एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए, एकादशी का दिन अन्न में सारे पाप का निवास होता है, इसलिए एकादशी का दिन हम अन्न भोजन नहीं करते, इसलिए एकादशी का दिन जो चीज ग्रहण करते हैं आप लोगों को पता होगा वो चीज को आप लाना, कोई फल कोई सब्जी ऐसी आप बात कर लेना, हमारे जितने भक्त लोग आपस में बात कर लेना, सब एक ही चीज ले आना, अन्नकूट का उत्सव हो जाएगा और यहीं बैठ कर सब प्रसाद पा लेना, सब भक्त लोग आपस में सबके सब बात कर लीजिएगा, ठीक अच्छा है, अभी सब नाचेंगे और देखो जो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो जो विधान दिया है, जैसे एकादशी व्रत का विधान दिया, इसका अंदर में कुछ कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं जो एकादशी एकादशी किसी जल रख दिया, हाँ अन्न नहीं खाना, ये सब तरह तरह का बात करते हैं, कहते नहीं देखो ध्यान से सुनो, क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने ये एकादशी व्रत को क्यों रखा है, कारण किया, इसमें साइंटिफिकल रीजन किया है, ये चीज को समझो अच्छे तरह से और दूसरों को भी बता सकते हो क्यों हम एकादशी व्रत रखते हैं,
15 दिन में एक बार हम एकादशी व्रत क्यों रखते हैं, इसमें साइंटिफिकल रीजन किया है। जैसे 15 दिन में एकादशी में किसी तरह से थोड़ी सी भोजन करना, नहीं तो कोई निर्जला व्रत रखते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर काम करते हो, ऑस्ट्रेलिया में काम करके आप बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, आपको एक सप्ताह में यहाँ पर तो पहले केवल संडे को छुट्टी होता था, अभी दो दिन शनिवार और रविवार अभी दो दिन छुट्टी मिलता है, बच्चों को भी छुट्टी मिलता है, हाँ रेस्ट मिलता है कि नहीं। जैसे आप काम में 7 दिन कर रहे हो उसमें 2 दिन रेस्ट मिलता है आपको, बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं उनको 2 दिन रेस्ट मिलता है। क्यों रेस्ट मिलता है, 7 दिन ही पढ़े, अच्छा पढ़े पढ़े अच्छा पढ़े है, बस 7 दिन को नहीं पढ़े, बोले नहीं 7 दिन पढ़ेगा तो कबड्डी खराब हो जाएगी, इसलिए उसको 7 दिन में उसको 1 दिन बाद 2 दिन उसको रेस्ट देते हैं। जब ब्रेन काम करते करते जब रेस्ट देते हैं, फिर दूसरे दिन से जब पढ़ाई करता है वो फिर अच्छे तरह से पढ़ाई करता है। उसी तरह जो ऑफिस में भी जो काम करते हैं, जो 5 दिन तक जब खूब काम 10 घंटा 10 घंटा काम करते करते बोर हो जाते हैं, फिर जब 1 दिन 2 दिन रिलैक्स जब मिल जाता है, दूसरे दिन से फिर अच्छे तरह से फिर काम करने लग जाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह हमारा जो शरीर है एक मशीन है, अगर ये मशीन को अगर 24 घंटा सब समय चलाते रहे, पर चलाते चलाते क्या होगा, फिर मशीन खराब हो जाएगा। कोई भी मशीन को देखो अगर हर समय चलते रहे क्या होगा, 2 दिन में फूंक जाएगी, इसलिए हम बीच बीच में उसको रेस्ट देते हैं। उसी तरह ये शरीर भी एक मशीन है, इसको भी 15 दिन में ऋषि मुनियों ने इसको थोड़ा विश्राम देने के लिए बताया। अभी प्रश्न है, हम एकादशी का दिन ही क्यों हम व्रत रखें, और भी तो कभी शरीर को विश्राम दे सकते हैं, ये प्रश्न है क्यों, कारण क्या। इसका रिजी ने बताया कि आप लोगों को बता है, ये समुद्र में एक हाई टाइड होता है, ज्वार भटाव देखिएगा, समुद्र में ज्वार भटाव होता है, इसलिए ज्वार भटाव देखिएगा एकादशी से लेकर के ये पूर्णिमा तक समुद्र में बड़ी बड़ी लहरी आती है, पूर्णिमा को तो सबसे बड़ी लहरी आती है, जिसका समुद्र के पास में जिनका घर उनको पता है, हाँ बड़ी बड़ी लहरी आती है। बोले क्यों, बोले ये चंद्रमा का इसका प्रभाव ये पानी के ऊपर पड़ता है, चंद्रमा का आकर्षण से यह हाई टाइड होता है। कहते उसी तरह हमारा जो शरीर है, कहते शरीर हमारा 5 वस्तु की तरह बना हुआ है, खीति आग तेज मरु और वो 5 वस्तु की तरह बना हुआ है। 5 चीजों में सबसे ज्यादा क्या शरीर में है, किस चीज, पानी, पानी 75% लगता है शरीर में पानी, और शायद 25% दूसरे चीजें खेती अब तक चीजें, हाँ इसलिए उसी तरह ये शरीर के ऊपर में भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिनको ये घुटन में सब दर्द, गांठ में दर्द आप लोग देख लीजिएगा, वो दर्द शुरू होता है एकादशी से, थोड़ा दर्द शुरू होगा फिर धीरे धीरे बढ़ता है, पूर्णिमा को इतने दर्द होता है रात को सो भी नहीं सकते, कभी कभी इतना दर्द होता है, हाँ क्योंकि इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ देखना, ज्यादा बीमारी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, आप शमशान घाट में जाओ ज्यादा लोग जो मरते हुए देखेंगे एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, आप जाकर देख लेना मरते हुए भी लोगों को ज्यादा मिलता है उसी समय, हाँ इसलिए कहते हैं शरीर के ऊपर में ये अफेक्ट बढ़ता है। विशेष करके हमारे भारत में एकादशी सभी के लिए कंपलसरी है, विशेष करके विधवाओं के लिए बताया गया, विशेष करके, लेकिन करना तो सभी के लिए, पुराने में बताया पद्म पुराण में 8 साल से लेकर 80 साल तक कंपलसरी सभी को करनी चाहिए, हाँ लेकिन उसको बाद में करो, उसको पहले मत करो, ये नहीं, लेकिन विधवाओं के लिए विशेष करके बताया। बोले क्यों, बोले कारण यही है कि चंद्र सूर्य का प्रभाव पड़ने पर शरीर में काम का उत्तेजना ज्यादा शरीर में होता है। अगर एकादशी का दिन भोजन नहीं करे, रस दोगे तब तो जाकर कहीं शरीर में उत्तेजना आएगी काम की, अगर भोजन नहीं करोगे ये काम आपको सता नहीं सकता है, इसलिए विशेष करके विधवाओं के लिए बताया, लेकिन सभी के लिए कंपलसरी है। इसलिए एकादशी का दिन, अगर हम एकादशी का दिन कुछ नहीं खाए पर थोड़ी सी किस चीज को लेकर आप ग्रहण करके रहो, जो गुठन फुटन में जो दर्द जो बीमारी है आप देखिए आपके शरीर में बीमारी नहीं आएगी, शरीर एकदम शरीर सुस्त रहेगा, क्योंकि रस नहीं होगा, खाओगे देखना खाने के बाद पानी ज्यादा खींचता है ना शरीर में, हाँ पानी ज्यादा खींचता है, अगर कुछ खाओगे नहीं सीधा पानी जल्दी जल्दी निकल जाता है, हाँ इसलिए एकादशी को हमारे ऋषि मुनियों ने बोले एकादशी को व्रत रखनी चाहिए, रखने पर तुम्हारी शरीर भी सुस्त रहेगा, बुद्धि भी सुस्त रहेगी और बीमारी भी कम होगा,
कभी ये एक कारण तो हो गया ये शरीर के लिए, लेकिन ये आत्मा के लिए कभी जो एकादशी है कभी ये भक्ति की जननी बताया गया, भक्ति की माँ है ये, भगवान का व्रत है एकादशी, भगवान का व्रत है। एकादशी व्रत रहने पर भगवान के चरण में भक्ति मिलती है। एकादशी मतलब होता है 11, हाँ एकादशी 11 है। कभी हमारा जो इंद्रिया है 11 इंद्रिया है, कभी ये 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेन्द्रिया, उसका अधिष्ठात्री देवता श्री मन है, ये मिल करके 11 इंद्रिया है। इसलिए इंद्रिया का जो मालिक भगवान है, इसलिए एकादशी मतलब ये 11 इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना है, ये एकादशी भक्ति मिलती है। हाँ इसलिए एकादशी व्रत को हमको पालना करनी चाहिए। कभी एकादशी व्रत का दिन सारे अन्नों में कभी गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सारे पाप एकादशी का दिन अन्न में रहते। अगर एकादशी का दिन कोई अन्न भोजन करे कभी सारे पाप का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए एकादशी का दिन अन्न नहीं ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि ये पाप है, अन्न पाप है। इसलिए एक साइंटिस्ट बोल रहे थे जितने दवा देखो क्रोसिन और क्या क्या दवा का नाम है जिसमें सीन शब्द होता है, हाँ टेरामाइसिन और हाँ हाँ ये सीन मतलब क्या, वो पाप होता है, सीन मतलब क्या पाप है। इसलिए दवा का नाम सीन सीन पाप है, बोले पाप क्या है, बोले ये सब बीमा जो पाप होता है ये वस्तु ग्रहण करने से पाप होता है, वो पाप से पाप होने पर शरीर में बीमारी आता है और उसको खत्म करने के लिए हम फिर दवा को ग्रहण करते, इसलिए दवा का सीन 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 पाप पाप सब बताया गया, ये पाप का फल यही कारण है, कारण यही है सब सीन जो शब्द आया है। इसलिए एकादशी का दिन हमको एकादशी व्रत को रखनी चाहिए। आप एकादशी महात्म्य पढ़ो, 26 एकादशी आप देखना, एकादशी का क्या महत्व देखना, किसका बिजनेस नहीं चल रहा था, आप पढ़कर देखना एकादशी क्या, तो बिजनेस चलना शुरू हो गया, किस राजा का राज्य खो गया था एकादशी व्रत किया तो राज्य लौट कर आ गया, किसका घर में अशांति थी एकादशी व्रत किया तो घर में शांति आ गया, किसका बेटा नहीं था एकादशी व्रत किया उसको बेटा हो गया। अब 26 एकादशी में देखना 26 उसका फल है, मतलब एकादशी मूल रूप में तो भगवान के चरण में ये प्रेम भक्ति देने वाली है, भगवान की प्रेम भक्ति देती है जिसको द्वारा हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, और साधारण रूप में भी संसार का सारे दुख को भी ये दूर करने वाले। इसलिए आप लोग कोशिश करना, कल एकादशी व्रत है और एकादशी तिथि को एक करताल बजाओ, तो बजा सकते हैं। बोलो श्री नंद के लाला की, बजाओ बजाओ, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, खिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, खिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, खिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। गोकुल में आयो नंदलाला, गोकुल में आयो नंदलाला, गोकुल में आयो गोपाला, गोकुल में आयो गोपाला, गोपियों से पड़ गया गोपाला, गोपियों से पड़ गया गोपाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम ललना, ब्रजवासी गाए जियो ललना,
Oh,
Sridhar Maharaj, Nitalila, Brahmishasila Bhakti Pragyan,
केशव गोस्वामी महाराज की जय हो। नित्य लीला प्रभु श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय हो। नित्य लीला प्रभु श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय हो। नित्य लीला प्रभु श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जय हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय हो। रूपानुग गुरु वर्ग की जय हो। सबार्षद गौर हरि की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। भक्ति तुलसी देव की जय। हरि गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे वो टफी नहीं इसलिए हे भगवान अभी हमारे काछो खान से हरि हरि कृष्ण हरि बोल हरि बोल। आ एखानो छ आई विल।